Subscribe my YouTube channel AWS and press the bell icon for never miss another updates. What is error, fault and failure? Error kya hai? Fault and failure kya hai? Samajhte hain? So जब हम डिस्कस करेंगे एरर फॉल्ट एंड फेलियर तो यहाँ पे अपने को एक दूसरा आंसर मिलेगा बग. तो समझते हैं. तो एरर क्या है? अ ह्यूमन एक्शन दैट प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट रिजल्ट. कोई ह्यूमन का एक्शन ऐसा है कि जो गलत रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करता है. फॉल्ट क्या है? अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एरर इन अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के अंदर कोई एक ऐसी एरर है जो आपके एक्सपेक्टेड या तो आपने कुछ इनपुट दिया है उसके हिसाब से वो आउटपुट नहीं दे रहा, जो मतलब आपके हिसाब से वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट और बग. ओके. एंड फेल्योर मतलब डेविएशन है एक्चुअल एक्सपेक्टेड जो एक था और डिलीवरी में जो गैप्स है उसको फेल्योर बोलते हैं. एरर जब डेवलपर कोड करता है और उसके स्टेट में जब मिलता है और उसको जो एरर्स मिलती है उसको एरर बोलते हैं, प्रॉब्लम मिलता है उसको एरर बोलते हैं. एंड जब वो सॉफ्टवेयर रेडी होता है टेस्ट के लिए एंड वो डिलीवर होता है टेस्टिंग टीम के एंड वही एरर जो मिस की हुई है डेवलपर को, जो डेवलपर ने मिस की और वो एरर यहाँ पे जो मिलती है टेस्टर को, तो टेस्टर उसको लॉक करता है, तो उसको एज ए लॉक करता है डिफेक्ट और बग. और ये सेम डिफेक्ट डेवलपर को असाइन करता है, डेवलपर उसको फिक्स करता है. अभी यही एरर जो डिफेक्ट बनी है यहाँ पे टेस्टिंग स्टेट में, और अगर टेस्टर को नहीं मिलती और कोई रीजन से मिस आउट होती है एंड डिलीवर होती है कस्टमर को, तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट में डेविएशन मिलता है मतलब उसको जो प्रॉब्लम होता है उसको बोलते हैं फेल्यूर. तो ये है एरर, फॉल्ट एंड फेल्यूर. सो फेल्यूर इज अ इवेंट, फॉल्ट इज अ स्टेट ऑफ सॉफ्टवेयर कॉज बाय एन एरर. व्हाई फॉल्ट अकर? सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में या एप्लीकेशन में फॉल्ट या तो बग या तो इश्यू क्यों मिलते हैं, देखते हैं. सो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बट कुछ कॉमन रीजंस हैं. सो फर्स्ट वन इज कि सॉफ्टवेयर ह्यूमन बीइंग्स लिखता है एंड ह्यूमन बीइंग्स डू द मिस्टेक्स, हु नोज समथिंग but don't know everything, who have skill but aren't perfect. मतलब उसको पता है but पूरा सिस्टम नहीं पता. फ्रेशर कोड लिखता हो तो प्रॉब्लम हो सकता है. डोमेन एक्सपर्ट नहीं है या तो पूरी सिस्टम जानता नहीं है या तो प्रॉपर RCA नहीं किया और काम कर रहा है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. दूसरा है कि इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ डिलीवरी एंड स्ट्रिक्ट डेडलाइन है एंड कोडिंग कर रहा है या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर में काम कर रहा है, हाई चांस कि वो कुछ मिस आउट करेगा या तो उसके पास वो टाइम भी नहीं होगा उसको टेस्ट करने के लिए प्रॉपर. एंड एजम्पशन ज़्यादा रहेंगे कि मैंने ऐसा किया इतना ही चेंज किया तो चल जाएगा, तो एजम्पशन गलत भी हो सकते है, ऐसा है. दूसरा है कि सिस्टम प्रॉपरली डेवलप ना हुआ हो या तो इनकम्प्लीट डिलीवर हुआ हो या तो पार्शियली डिलीवर हुआ हो, डिपेंडेंट मॉड्यूल डिलीवर ना हो या तो डिपेंडेंट मॉड्यूल का टेक केयर किया ना हो. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स फॉर इश्यू मिलते हैं या तो फॉल्ट मिलते हैं. सो व्हाई टेस्टिंग नेसेसरी? टेस्टिंग की ज़रूरत क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत होती है? डेवलपर डेवलप करता है एंड टेस्टिंग टीम की ज़रूरत क्या है कि डेवलपर वो डेवलप करके रिलीज नहीं कर सकता? सो व्हाई टेस्टिंग नेसेसरी? सो बेसिकली चीज कि हमने देखा कि जो ह्यूमन बीइंग कोड लिखता है एंड सिस्टम में प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है अलग अलग चांसेस की वजह से, तो सॉफ्टवेयर के अंदर या तो एप्लीकेशन के अंदर फॉल्ट होते ही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है जो अलग अलग टेक्निक टेस्टिंग टीम यूज़ करेगी वो फॉल्ट निकलने के लिए. दूसरा है कि सिस्टम की रिलायबिलिटी समझने के लिए, कि वो डेवलपर नहीं बता पाएगा कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वो तो डेवलप करके आपको देगा कि मेरा कोड वर्किंग कंडीशन में, तो
तो वो टेस्टर या तो टेस्टिंग टीम वो फाइंड आउट करती है उसकी रिलायबिलिटी अलग अलग कंडीशंस में। दूसरा है कि अगर फॉल्ट बाहर से आता है, मतलब कस्टमर के पास से आता है, तो बहुत ही वो एक्सपेंसिव रहता है, बहुत ही महंगा पड़ता है, तो क्योंकि वो पूरी रिसाइकल में चला जाता है, कि मतलब रिक्वायरमेंट से लेके फिर डिज़ाइन लेवल पे जाके फिर फिक्स होता है। दूसरा है कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर परेशान ना हो, या तो कस्टमर का हम कॉन्फिडेंट तोड़े नहीं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और है बिजनेस में रहने के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आपके पास प्रॉपरली टेस्टिंग किया हुआ प्रोडक्ट है, तो वो क्वालिटी प्रॉपर रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर उसमें से किसी को भी आप दे सकते हो, और ये सारे पॉइंट्स हैं उसमें। सो व्हाट इज एग्जिस्टिव टेस्टिंग, देखते हैं। सो एग्जिस्टिव टेस्टिंग ऐसा है कि जब आप मीन्स कि आपको जितने भी इनपुट में परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं उसको टेस्ट करना है। सो व्हेन ऑल द टेस्टर्स आर एग्जिस्टेड। दूसरा है व्हेन ऑल द प्लान टेस्ट हैव बीन एग्जीक्यूटेड, तब इसको पूरा बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिव टेस्टिंग हुआ है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, जब इतने सारे कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि जब आप इनपुट के कॉम्बिनेशन देखो तो मुझे अगर मैं सारे कॉम्बिनेशन परमिटेशन की ट्राई करूँ तो बहुत सारा टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन आता है कि एग्जिस्टिव टेस्टिंग के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये जो टाइम है वो इनप्रैक्टिकल है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन वो इनप्रैक्टिकल है, बहुत सारा टाइम लगेगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टिव टेस्टिंग समझना, और एक्चुअल में एग्जिस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ रियल लाइफ। सो एग्जांपल देखते हैं कि सब कुछ टेस्ट क्यों न करना चाहिए, व्हाई नॉट टेस्ट एवरीथिंग। सो एक सिस्टम है, उसमें 20 स्क्रीन है, ठीक है, चार मेनू है पर पेज, तीन ऑप्शंस सब मेनू है, ठीक है, एक फील्ड पे एक में 10 फील्ड पर स्क्रीन है, दो इनपुट टाइप्स है, एंड इनपुट में कॉम्बिनेशन रहते हैं डेट का, नंबर का, नंबर में भी डेसिमल एंड इंटीजर होता है, एंड टेक्स्ट का, तो वो कॉम्बिनेशन रहते हैं अराउंड 100। सो अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 स्क्रीन, चार मेनू, तीन ऑप्शन मेनू, 10 फील्ड, दो टाइप के इनपुट एंड 100 कॉम्बिनेशन, तो 480,000 टेस्ट होते हैं। अगर एक सेकंड में एक टेस्ट करो तो 8000 मिनट हो गए, तो 17 दिन होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको, अगर प्रॉब्लम मिले तो प्रॉब्लम रिपोर्ट का आता है, डिफेक्ट रिपोर्ट का आता है, फिर लॉगिंग आता है, डिबग आता है, तो अगर ये सारा टीम टाइम गिने तो हो सकता है कि कोई टेस्ट केस एक मिनट में हो, कोई टेस्ट केस 10 मिनट में हो, या कोई केस 15 मिनट में हो, या 20 मिनट में हो। तो अगर 10 मिनट हम कैलकुलेट करें तो 40 ईयर्स होते हैं 480,000 टेस्ट करने के लिए। तो इतने सारे केसेस टेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। सो इसलिए बोलते हैं कि एग्जिस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। तो इसका क्या सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन है उसका एक एनालिसिस, जिसको बोलते हैं रिस्क बेस्ड एनालिसिस। तो अब जो टेस्ट केस आइडेंटिफाई करो और रिस्क के हिसाब से आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो ये था एग्जिस्टिव टेस्टिंग, एंड आपको ध्यान रखना है कि वो पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, बट डेफिनेशन आए तो ऑल द कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल योर इनपुट्स। हाउ मच टेस्टिंग इज इनफ, कितना टेस्टिंग इनफ है, क्योंकि टेस्टिंग चालू करते हैं तो बहुत सारे उसके टाइप्स हैं एंड बहुत सारे कॉम्बिनेशंस एंड बहुत सारा टेस्टिंग करना पड़ता है। तो इनफ कब है, स्टॉप कब करें, और डिज़ाइन कैसे करें। सो हाउ मच टेस्टिंग, सो इट्स डिपेंड ऑन रिस्क। ऐसा नहीं कि वो इनफ नहीं है कभी भी, बट अल्टीमेटली उसका डिसीजन आएगा डिपेंड ऑन रिस्क, कि वो सिस्टम का डिपेंड
कितना करता है, सिस्टम पे रिस्क कितना है, उसका कॉम्बिनेशन समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो डिपेंड ऑन रिस्क. सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? तो रिस्क ऑफ मिसिंग इम्पोर्टेंट फॉल्ट, कोई इम्पोर्टेंट फॉल्ट मिस ना हो उसका रिस्क आपको ध्यान रखना है. रिस्क ऑफ द इन अकरिंग फेल्यूर कॉस्ट, मतलब वो फेल्यूर ना हो और वो कॉस्ट बचने के लिए वो रिस्क ध्यान रखना है. रिस्क ऑफ रिलीजिंग अनटेस्टेड और अंडर टेस्टेड सॉफ्टवेयर, कुछ टेस्ट ना किया हो ऐसा मॉडल रिलीज करना पड़े या तो चालू टेस्टिंग में रिलीज करना पड़े, वो डिपेंड है कि ध्यान रखना है. रिस्क ऑफ लूजिंग क्रेडिबिलिटी एंड मार्केट शेयर, कस्टमर का कॉन्फिडेंट कम हो या तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस हो खराब हो, वो ध्यान रखना है. रिस्क ऑफ मिसिंग अ मार्केट विंडो, मार्केट में अपने कंपनी का शेयर कम हो या तो उसकी डिमांड कम हो, उस ध्यान रखना है. रिस्क ऑफ ओवर टेस्टिंग एंड इनइफेक्टिव टेस्टिंग, मतलब कि कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल में ज़्यादा टेस्टिंग ना कर दे या तो पूरा टाइम वहाँ डाल दे और इम्पोर्टेंट मॉड्यूल बच जाए टेस्टिंग करने के लिए, वो रिस्क ध्यान में रखना है. सो बेसिकली ये रिस्क सारे ध्यान रखने हैं जब आपको डिज़ाइन करना है कि कितना डेप में जाना है टेस्टिंग के लिए. सो थोड़ा टाइम है, बहुत सारा टेस्टिंग करना है. सो टाइम ऑलवेज लिमिटेड रहता है टेस्टिंग में, तो आपको रिस्क के बेस के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना पड़ता है आपका टेस्ट प्लान एंड टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से. सो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या पहले टेस्ट करना है, क्या इम्पोर्टेंट टेस्टिंग है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्टिंग क्या है, व्हाट टू टेस्ट मोस्ट, हाउ थरोली टू टेस्ट ईच आइटम, कितनी थरोली टेस्ट करनी है हर आइटम को, एंड खास तो होगा कि कौन सा टेस्ट नहीं करना, कौन सी चीज़ को मॉड्यूल को टेस्ट नहीं करना, सो ध्यान रखना है. एंड अलोकेट द टाइम अवेलेबल फॉर टेस्टिंग बाय प्रायोरिटाइजिंग टेस्टिंग, मतलब कि आपको बेस ऑन रिस्क आपको प्रायोरिटी डिफाइन करनी है और बेस ऑन योर प्रायोरिटी ऑफ रिस्क उसको टास्क को उसके हिसाब से सीक्वेंस में हैंडल करना है. सो बेसिकली इम्पोर्टेंट टास्क को पहले लेना है, फिर लेस इम्पोर्टेंट रहता है, फिर एकदम लेस इम्पोर्टेंट रहता है. व्हाट इज टेस्टिंग एंड व्हाट इज क्वालिटी, बेसिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों में, टेस्टिंग एंड क्वालिटी में, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछते हैं एंड देखते हैं. सो बेसिकली टेस्टिंग से सॉफ्टवेयर मेजर होता है, बट सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एक्चुअल में मेजर होती है टेस्टिंग के आउटपुट से. सो टेस्टिंग से फॉल्ट फाइंड करते एंड बेस ऑन दैट फॉल्ट यू कैन मेजर की आपकी क्वालिटी डिफाइन कर सकते हो. सो यूजिंग टेस्टिंग यू कैन डिफाइन योर क्वालिटी. तो बेस ऑन आप फॉल्ट कितने मिले, फॉल्ट उसमें से कितने सॉल्व किए, कितने क्लोज किए, कि वो आपका इम्प्रूव होता है क्वालिटी. ओके, सो टेस्टिंग क्या करता है, मतलब कौन कौन से टेस्टिंग करता है, सिस्टम फंक्शंस टेस्टिंग करते हैं और करेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, जो आपने चेंज किया वो चेक करते हो ऑपरेशंस को, मतलब कि कोई बग फिक्स किया तो उसको आप फिर से टेस्ट करते हो. दूसरा है कि नॉन फंक्शनल, कौन, जिसमें रिलायबिलिटी, यूजबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रिजबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं टेस्टिंग के अंदर. तो ये सारे टेस्टिंग के अलग अलग फेजेस के हिसाब से उसके जो आउटपुट आते हैं, बेस्ड ऑन आउटपुट एंड बेस्ड ऑन एयर एग्जीक्यूशन रिपोर्ट एंड बेस्ड ऑन डिफाइन प्रोसेस क्वालिटी डिफाइन होती है. ओके, सो अगर डेफिनेशन के साइड जाए तो क्वालिटी अ सेट ऑफ एक्टिविटी डिजाइन टू इंश्योर दैट द डेवलपमेंट और एंड मेंटेनेंस प्रोसेस इज एडेक्यूट टू इंश्योर द सिस्टम विल मीट द ऑब्जेक्टिव. तो बेसिकली क्वालिटी क्या है कि वो प्रोसेस डिफाइन की हुए और बेस ऑन दैट प्रोसेस आपका सारा डेवलपमेंट प्रॉपरली हो रहा है. जैसे कि मतलब कि अगर टेस्टिंग चालू करना है, मतलब कि आपको टेस्ट केस लिखे हुए होने चाहिए, उसको रिव्यू किए होने चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट में जाने चाहिए, तो ये सारे प्रोसेस है. टेस्टिंग में क्या, आप इनपुट देते हो, आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो, दैट्स अ टेस्टिंग. बट वो टेस्टिंग में आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो पर वो कहीं पर आप लॉक करते हो कि वो पास हुआ कि फेल हुआ. दूसरा, टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सिस्टम विद इंटेंट टू फाइंड द डिफेक्ट. सो टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसे हम डिफेक्ट फाइंड करने का ट्राई करते हैं. एंड क्वालिटी इज अ प्रोसेस,
what is test case? अगेन एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए एंड कॉमनली पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में. तो देखते हैं. टेस्ट केस इज अ सेट ऑफ कंडीशन और वेरिएबल अंडर विच अ टेस्टर विल डिटरमाइन वेदर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वन ऑफ इट्स फीचर्स इज वर्किंग एज इज ओरिजिनली एस्टेब्लिश फॉर इट टू डू. सो बेसिकली टेस्ट केस क्या है कि कंडीशंस है, कोई सेट ऑफ कंडीशंस, वो छोटे पीस में होता है एंड वो चेक होता है कि जिसके लिए वो प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है या तो डेवलप किया हुआ है वो उसके हिसाब से डिजाइन मतलब काम करता है कि नहीं करता है. सो वो कंडीशंस आप इनपुट में देते हो, सामने वो एक्सपेक्ट करते हो कि वो उसके से हिसाब से वो आउटपुट देता है कि नहीं देता. तो बेसिकली आपके पास सेट ऑफ इनपुट्स है एंड सेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. जैसे कि मैंने एक यूज़र नेम का फील्ड है और वहाँ पे ऐसा है कि यूज़र नेम में आप ओनली डॉट अलाउ कर सकते हो. तो मेरा टेस्ट केस ऐसा है कि मैं एक यूज़र नेम पास करूँ उसके अंदर मिड ऑफ द नेम डॉट यूज़ करता हूँ तो वो नेम एक्सेप्ट कर देना चाहिए सिस्टम को. तो ये मेरा इनपुट है और एक्सपेक्टेशन क्या है कि सिस्टम उसको एक्सपेक्ट करे. तो बेसिकली वो केस हुआ कि इनपुट में मुझे एक यूज़र लेना है जिसका बीच में डॉट हो. सेम वे आप उसका नेगेटिव केस कर सकते हो, पॉजिटिव केस कर सकते हो. सो बहुत ही इजी डेफिनेशन है. आपको समझना है कि एक स्पेसिफिक इनपुट है जिसमें सेट ऑफ कंडीशंस है एंड सेट ऑफ इनपुट है एंड वहाँ पे मेंशन किया हुआ कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है. सो गुड टेस्ट केस जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉल फाइंड करें जब टेस्ट केस लिखते हो तो ध्यान रखना है कि टेस्ट केस के अंदर वो खासियत होनी चाहिए कि आप उसको रीयूज कर सको एंड फॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सके. रिप्रेजेंट अदर्स मतलब कि दूसरे मॉड्यूल या दूसरे कोर्स मॉड्यूल के हिसाब से वो काम करता हो और उसको कवर भी कर सकता हो कहीं ना कहीं. इजी टू मेंटेन हो कि आप उसको मेंटेनेंस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उस आपके टेस्ट केस के हिसाब से. चिप टू यूज मतलब कि वो एग्जीक्यूट करना है या तो उसको यूज़ करना है तो इट्स शुड नॉट बी कॉस्टली एंड इजी टू यूज़ भी कर सके. सो बेसिकली आप जब टेस्ट केस लिखो तो इफेक्टिव होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, यूवेलेबल होने चाहिए और इकोनॉमिक होने चाहिए. दूसरा है आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट केस का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फॉर्मेट में आता है टेस्ट केस आईडी रहता है, टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन रहता है, टेस्ट केस समरी रहता है, टेस्ट केस इनपुट रहता है, टेस्ट केस एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है, टेस्ट केस एक्चुअल रिजल्ट रहता है, टेस्ट केस रिजल्ट रहता है एंड कमेंट रहता है. फिर दूसरे ऑप्शनल फील्ड रहते हैं जैसे कि कौन सी साइकिल है एंड कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, स्मोक टेस्ट केस है, की सैनिटी केस है, वो फिल्टर लगा सकते हैं. तो ये टेस्ट केस का फॉर्मेट है. टेस्ट केस राइटिंग के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ती है एंड उसके लिए भी एक डिफाइंड फ्लो है. तो टेस्ट केस कैसे लिखते एंड कैसे लिखने का एग्जीक्यूशन फ्लो रहेगा तो देखते हैं. ओके, सो पहला है कि टेस्ट स्पेसिफिकेशन. तो टेस्ट स्पेसिफिकेशन में क्या हो सकता है, मतलब जब टेस्ट स्पेसिफिकेशन आपको टेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो उसमें बेसिकली तीन स्टेप है. एक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टेस्ट केस जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन करोगे कौन से टेस्ट केस लिखने हैं एंड क्या टेस्टिंग करना है. सो डिटरमाइन व्हाट टू बी टेस्टेड एंड कौन कौन सी टेस्ट कंडीशन उसमें आएगी. और दूसरा है कि उसकी प्रायोरिटाइज क्या रहेगी. सेकंड थिंग है डिज़ाइन. तो अभी आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी कंडीशन ट्रिगर होने वाली है, कौन कौन सी कंडीशन आपको यूज़ करने वाले और कौन से फ्लो में वो रहेगा. जैसे कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है. तो अभी डिज़ाइन में क्या रहेगा कि डिटरमिन हाउ एंड व्हाट टू बी टेस्टेड. मतलब अभी आइडेंटिफाई किया तो उसको अभी कैसे टेस्ट करोगे एंड किस पे टेस्ट करोगे. ठीक है, तो उसको डिज़ाइन करना है.
तो उसके लिए आपको स्टेप्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि इतने स्टेप्स एग्जीक्यूट करने हैं, एंड ये फ्लो रहेगा सिस्टम में डेटा देने के लिए, और सिस्टम रिटर्न फ्लो क्या देगा कि वो भी आइडेंटिफाई करना है. तो डिज़ाइन में वो रहेगा कि वो एक्चुअल फ्लो ऑफ टेस्ट केस के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप देना पड़ेगा. थर्ड है बिल्ड. तो इम्प्लीमेंटेशन, आपका एक्चुअल टेस्ट केस का इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से बिल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके डेटा कौन से रहेंगे, स्क्रिप्ट कौन सी रहेगी, वो सब आएगा. सो आइडेंटिफाई टेस्ट कंडीशन मीन्स डिटरमाइन व्हाट टू बी टेस्टेड इन एंड प्रायोरिटाइज लिस्ट द कंडीशन दैट वी वुड लाइक टू टेस्ट. यूज द टेस्ट डिजाइन टेक्निक स्पेसिफाई इन द टेस्ट प्लान. आपके टेस्ट प्लान में जो टेस्ट डिजाइन टेक्निक स्पेसिफिकेशन दी है तो उसके हिसाब से आपको वो टेक्निक यूज करके आपको कौन कौन से टेस्ट केस कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है वो आपको ढूंढनी है. देयर मे बी मेनी कंडीशन फॉर इच सिस्टम फंक्शन और एट्रीब्यूट. हो सकता है कि बहुत सारी कंडीशन हो, बहुत सारी डिराइव होगी आपके बेस्ड ऑन इनपुट. तो इसमें एग्जांपल दिया बट बहुत सारे एग्जांपल रहे थे, जैसे कि आपके टैक्स इनपुट है तो कौन से स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे, उसकी लेंथ क्या है, मिनिमम लेंथ क्या है, मैक्सिमम लेंथ क्या है, डेट है तो डेट का फॉर्मेट रहता है, डी डी एम 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 वाई वाई है कि दूसरा फॉर्मेट. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट रहते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. तो उसको आपको डिफाइन करना है रिस्क बेसिस. दूसरा है प्रायोरिटाइज टेस्ट कंडीशन. तो आपने जो कंडीशंस आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको प्रायोरिटाइज कौन से लेवल पे करेंगे, मतलब कौन सी कंडीशन को आपको फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है, तो वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टेस्ट कंडीशन. सेकंड है डिजाइन टेस्ट केस. डिटरमाइन हाउ एंड व्हाट टू बी टेस्टेड, डिजाइन टेस्ट इनपुट एंड डेटा. तो इनपुट के लिए कौन सा डिजाइन करेंगे, मतलब कौन से इनपुट स्टेप रहेंगे एंड कौन सा डेटा आप यूज करोगे. सो ईच टेस्ट एक्सरसाइज वन और मोर टेस्ट कंडीशन, जो आपको टेस्ट कंडीशन के हिसाब से वो डिराइव करेगा. जैसे मतलब मेरा एक टेस्ट कंडीशन है कि मुझे यूज़र वैलिड यूज़र से लॉगिन करूँ तो लॉगिन हो जाना चाहिए. तो आपके लिए उसके लिए आपको वैलिड यूज़र होना ज़रूरी है. तो वैलिड यूज़र इज योर टेस्ट डेटा. डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट. जब आप कोई इनपुट देते हो सिस्टम को तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो सिस्टम ऐसा बिहेव करेगा. तो आप जब टेस्ट डिजाइन करते हो तो आपको वो लिखना जरूरी है कि ये टेस्ट इनपुट के सामने ये एक्सपेक्टेड है. तो आपको वो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ इच टेस्ट केस. हर टेस्ट के लिए आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना पड़ेगा. डिजाइन सेट ऑफ टेस्ट. डिफरेंट टेस्ट सेट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. लाइक मतलब कि देखो आप जब टेस्ट केस लिख रहे हो तो यू हैव टू डिफरेंशिएट योर टेस्ट केस कि ये मेरे स्मोक टेस्ट है, ये मेरे सैनिटी केस है, ये मेरे रिग्रेशन केस है, ये मेरे सिक्योरिटी टेस्ट केस है, ये मेरे परफॉर्मेंस टेस्ट केस है. तो ये आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसको इजी टू मेंटेन कर सकते हो इन द फ्यूचर. सो थर्ड लेवल है कि वो है बिल्ड टेस्ट केस, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेस्ट केस. सो प्रिपेयर टेस्ट स्क्रिप्ट. आपको टेस्ट स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी है. लेस सिस्टम नॉलेज टेस्टर हैज मोर डिटेल एंड स्क्रिप्ट विल हैव टू बी. मतलब कि जिसको कम से कम पता है सिस्टम का वो भी वो आपके टेस्ट केस स्टेप बाय स्टेप पढ़ के एग्जीक्यूट कर सके, उसके हिसाब से टेस्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए. स्क्रिप्ट फॉर टूल दैट स्पेसिफाई एवरी डिटेल्स. अगर आपके लिए ऑटोमेटेड टेस्ट केस है तो उसके हिसाब से टूल के हिसाब से आपको स्क्रिप्ट के अंदर डेटा होने जरूरी, वरना वो टूल समझ नहीं पाएगा आपके स्क्रिप्ट को. प्रिपेयर टेस्ट डेटा. आपके टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना है बिल्ड टेस्ट केस के अंदर कि मुझे अगर इन आपके सिस्टम में कोई इनपुट फाइल लेता है तो फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और इनपुट में कोई डेटा होता है तो डेटा प्रिपेयर करने में इमेज है, वॉट एवर, मतलब जो भी सिस्टम के लिए इनपुट है तो आपको प्रिपेयर करने हैं. दूसरा है प्रिपेयर एक्सपेक्टेड रिजल्ट. आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रिपेयर करने हैं और टेस्ट सेटअप प्रिपेयर करना है. तो कौन से सेटअप पे एग्जीक्यूट करोगे. सो बेसिकली ये तीन चीज़ें जब आपको टेस्ट केस लिखना है तो आपको ध्यान रखनी है. सो आइडेंटिफिकेशन, डिजाइन एंड बिल्ड. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिग्रेशन टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, एंड यूजुअली इस पे बहुत फोकस रहता है हर इंटरव्यूअर का. तो समझते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच. सो रीटेस्टिंग इज डन
to make sure that bug fix and failed functionality is working fine or not. So basically retesting क्या है? जो bug fix हुआ है, जो मतलब जो bug report किए हुआ है tester ने, और वो fix होने के बाद वो check करता है tester कि उसने जो report किया था वो properly चल रहा है कि नहीं चल रहा है. उसने जो functionality बोली थी कि functionality नहीं चल रही, कि functions नहीं चल रहा, वो properly चल रहा है कि नहीं चल रहा है based on कि आपने जो bug report किया है उसके हिसाब से. So this is the kind of verification method followed in the testing field for fix the bugs. So basically, जो bug fix हुआ है, उसके against जो testing होता है, उसको बोलते हैं retesting. Regression testing is re-execution of test cases for unchanged part to see that unchanged functionality is working fine or not. So regression testing क्या है? आपके system में जो part को कोई changes हुआ ही नहीं है, एंड जब कोई नई फंक्शनलिटी ऐड होती है, तब आप चेक कर रहे हो कि वो जो अनचेंज एरिया पहले जैसा काम कर रहा था ऐसा ही काम कर रहा है, उसको कोई फंक्शनलिटी की इंपैक्ट हुई है, कोई फंक्शनलिटी बंद हुई है. सो एंश्योर दैट अनचेंज एरिया अनचेंज फंक्शनलिटी आर वर्किंग ऑन नॉट. रीटेस्टिंग इज ओनली डन फॉर द फेल टेस्ट केसेस. रीटेस्टिंग ओनली फेल टेस्ट केस पे ही होता है. रिग्रेशन टेस्टिंग इज डन फॉर ऑल द टेस्ट केसेस which are getting passed and for specific functionality which have no change. We should always keep in mind retesting is higher priority than regression testing. क्यों higher priority है? क्योंकि उसने already issue find out किया हुआ है, उसने कोई problem ढूंढा हुआ है system में, that's why उसकी higher priority है. But in bigger project, retesting and regression testing are done parallel. बड़ी प्रोजेक्ट होते हैं तो दोनों साथ में करने पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में रिग्रेशन टेस्टिंग का भी चंक बड़ा होता है. दोनों का इम्पोर्टेंस इक्वली है. जब आपको क्वालिटी की कंस्ट्रेंट देखे, तो बेसिकली ये था रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग का डिफरेंस. वी मॉडल, व्हाट इज वी मॉडल? सो बेसिकली वी मॉडल इज अ डेवलपमेंट मॉडल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, एंड इट इज मतलब कि ये वाटरफॉल मॉडल जैसा ही है, बट उसके साथ हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक्टिविटी बाइंडेड की हुई है, तो उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल. तो समझते हैं डेप में. सो वी मॉडल डेमोस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड एसोसिएट फेज ऑफ द टेस्टिंग. जैसे मैंने बोला कि वी मॉडल नॉर्मल जो अपना वाटरफॉल मॉडल है, बट उसके साथ हमने डेवलप टेस्टिंग के फेज भी अटैच किए हुए हैं, टेस्टिंग का स्कोप उसके साथ ही अटैच किया हुआ है. तो टेस्टिंग प्रोसेस कैसे रहती है वो समझते अभी. तो बेसिकली वी नॉर्मल डेवलपमेंट मॉडल में कैसा रहता है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है, फिर सिस्टम स्पेसिफिकेशन होता है, उसके बाद डिजाइन स्पेसिफिकेशन होता है, फिर कोड होता है, एंड कोड के बाद टेस्टिंग होता है, उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज होती है. ये नॉर्मल फ्लो है. तो अभी ये नॉर्मल फ्लो में क्या होता था कि जब कोड के बाद टेस्टिंग होता था, तब वो टेस्ट केस लिखता है बंदा और फिर एग्जीक्यूशन करता है. तो उसके बाद जो टेस्ट केस लिखता है, तो प्रॉब्लम क्या होता है? अगर रिक्वायरमेंट में कोई इश्यू होगा तो प्रॉब्लम वो होता है कि आपको रिक्वायरमेंट से वापस जाना पड़ेगा. अगर सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तो मतलब जब डिजाइन होती तब प्रॉब्लम होगा तो तब वापस जाना पड़ेगा. मतलब कि ऐसा बोलना चाहता है वी मॉडल कि कोई भी डेवलपमेंट फेज हो, हर डेवलपमेंट फेज के स्टेप के सामने टेस्टिंग होना चाहिए, उसके लेवल का होना चाहिए. तो क्या हुआ कि भाई बिजनेस रिक्वायरमेंट के सामने जब टेस्ट केस कौन सा लिखना है कि कौन सा फेज को मैप करें, तो यूजर एक्सेप्टेंस को मैप करें. प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के सामने क्या किसको मैप करें कि भाई इंटीग्रेशन को मैप करें. सिस्टम के सामने सिस्टम टेस्ट को मैप करें. डिजाइन के सामने इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्मॉल लेवल पे करें, एंड कोड के सामने कंपोनेंट टेस्टिंग को मैप करें. तो एक मैपिंग हुआ. मैपिंग के बाद क्या हो रहा है कि टेस्ट केस अभी जो स्पेसिफिक स्टेप में होते थे उसको चेंज करते हैं कि वो डेवलपमेंट के फेज के साथ ही रहे, जिसको बोलते हैं टेस्ट डिजाइन. सो टेस्ट डिजाइन में सारे क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट केस टीम इन्वॉल्व होती है, वो टेस्ट केस राइट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं. तो ये सारे फेजेस के अंदर जब डिजाइन होते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस
स्पेसिफिक स्टेप पे अगर कोई इश्यू होता है तो वहाँ पे वो सॉल्व होता है. जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट में कोई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक गैप्स होगी तो वहाँ पे ही सॉल्व होगी. प्रोजेक्ट स्पेसिफिक केस में कोई गैप्स होगी तो वहाँ पे ही सॉल्व होगी. कोड लेवल का होगा तो वो भी वहाँ पे सॉल्व होगा. अभी आपके पास ऑल द टेस्ट केसेस रेडी है जब तक आपका डेवलपमेंट क्लोज होगा. जैसे ही आपका डेवलपमेंट क्लोज होता है तो इमीडिएटली आप उसका टेस्टिंग चालू कर सकते हो. टेस्ट केस रन करना है. अभी आपका टेस्टिंग का टाइम बहुत सारा सेव होगा टेस्ट केस लिखने का. तो कोड के सामने आप फटाफट सीक्वेंस में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कंपोनेंट टेस्टिंग एग्जीक्यूट कर. फिर अपने सीक्वेंस से आप टेस्टिंग एग्जीक्यूट करोगे, कंपोनेंट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, सिस्टम करोगे, लार्ज लेवल इंटीग्रेशन करोगे एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करने के बाद आप रिलीज करोगे. सो बेसिकली वी मॉडल वो डेमोस्ट्रेट करना चाहता है कि आप डेवलपमेंट के इच फेज के सामने टेस्टिंग को इन्वॉल्व करो एंड वहाँ पे ही अगर कोई स्पेसिफिक गैप्स रहती है तो आइडेंटिफाई करो और वहाँ पे इसको सॉल्व करो. जो मतलब लास्ट स्टेज में मिले तो बहुत कॉस्टली रहता है और यहाँ पे मिलेगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो व्हाई अर्ली टेस्ट डिज़ाइन रिक्वायर्ड. पहले टेस्ट डिज़ाइन क्यों करते हैं, मतलब कि हम टेस्टिंग के साथ वो क्यों नहीं कर सकते. तो बेसिकली अगर आप टेस्टिंग के साथ करते हो तो आपके पहले जो डेवलपमेंट फेज पहले एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं तो अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो वो फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है एंड कॉस्टली भी है. तो आपको पूरा साइकिल वापस जाना पड़ता है. जब आप टेस्ट डिज़ाइन करते हो तो आपको फॉल्ट मिल जाते हैं जल्दी. जैसे कि अगर स्पेसिफिकेशन चल रहा है तब मैं टेस्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, तो वो लेवल के फॉल्ट मुझे जब डिज़ाइन लेवल पे ही मिलेंगे, ना कि जब मैं एक्चुअल एग्जीक्यूट करूँगा तब. तो फिक्स करना बहुत ईजी है एंड बहुत ही सस्ता है. मतलब उसी टाइम फिक्स हो जाएगा, साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि सिग्निफिकेंट फॉल्ट फर्स्ट मिल जाएंगे आपको. मतलब वो फर्स्ट लुक में ही नॉर्मल डिज़ाइन लेवल पे ही आपको मिल जाएंगे. जब भी आपका नॉर्मल डिज़ाइन लेवल चलता है या तो रिव्यू चलेगा तो उस केस पे आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे. फॉल्ट है वो बिल्ड के पहले बनने से पहले हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो बिल्ड में आए, टेस्टर को मिले, टेस्टर उसको ब्लॉक करे, डेवलपर फिक्स करे, तो वो साइकिल से हम बच जाएंगे और आपका फॉल्ट पहले ही प्रिवेंट हो जाएगा. कोई स्पेसिफिक अफोर्ट डालना नहीं पड़ता, एडिशनल अफोर्ट डालना नहीं पड़ता, रीशेड्यूल टेस्ट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये सारी चीज़ का आपका टाइम सेविंग बचता है और प्रोजेक्ट का डिलीवरी पे इसकी इम्पेक्ट आती है, तो बहुत ईजी होता है. इन केस डिज़ाइन फिर से करना है टेस्ट डिज़ाइन तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट चेंज होती है वो केस में ही आएगा, वरना वो टेस्ट डिज़ाइन जो हुआ है वो आपका थ्रू आउट चलेगा विथआउट एनी चेंज. सो बेसिकली अर्ली टेस्ट डिज़ाइन के बहुत सारे फायदे हैं, वो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स है. एंड इफ आप अगर टेस्टिंग के साथ डिज़ाइन करते तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे कि आपको प्रॉब्लम पहले मिलेंगे नहीं डिजाइन, वो प्रॉब्लम डिज़ाइन लेवल के मिलेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है डिलीवरी में एंड क्वालिटी में. सो अर्ली टेस्ट डिज़ाइन हेल्प्स टू बिल्ड क्वालिटी एंड वैलिडेशन. वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, ये कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड ऑल इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है. एंड समझते हैं मतलब क्या है वेरिफिकेशन. सो वेरिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट टू डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट द गिवन डेवलपमेंट फेज सेटिस्फाई द कंडीशन इम्पोज एट द स्टार्ट ऑफ द फेज. मतलब कि जब आपकी प्रोडक्ट बन रही है या तो बनने वाली है वो एज पर रिक्वायरमेंट बन रही है. सो क्वेश्चन इज डिड आई बिल्ड वॉट आई नीड, मतलब जो जरूरी है मैं वही बनाने जा रहा हूँ या तो वही मैंने बनाया है, दैट्स वेरिफिकेशन. वैलिडेशन डिटर्मिनेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूजर नीड एंड रिक्वायरमेंट. डिड आई बिल्ड व्हाट आई सेड आई वुड. सो जो हमसे बोला गया था मैंने वही बनाया है. सो करेक्टनेस ऑफ द योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट respect to need of your user.
रिक्वायरमेंट. सो बेसिकली वेरिफिकेशन में क्या रहता है कि जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट नहीं होता वो हम वेरिफिकेशन करते हैं. वैलिडेशन में होता है जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करते हैं या तो कोई एग्जीक्यूशन फॉर्म होता है, जैसे मैंने कोई इनपुट दिया और एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ. वेरिफिकेशन में होता है बेसिकली कि रिक्वायरमेंट आप रिव्यू करो, डॉक्यूमेंट रिव्यू करो, टेस्ट केस रिव्यू करो, टेस्ट रिपोर्ट रिव्यू करो, दैट्स विल बी पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन. सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. एंड प्लीज कीप इन माइंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए. टेस्ट प्लान बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने को टेस्ट प्लान बनाना पड़ता है बिफोर टेस्टिंग स्टार्ट, एंड उसमें सारी एक्टिविटी कवर होती है. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है. एंड बेस्ड ऑन टेस्ट प्लान पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो रहता है एंड आपका इवन आपका एस्टिमेशन भी इसके बेस पे ही रहता है. तो टेस्ट प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी के हिसाब से डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से टीम इन्वॉल्व होगी, टेस्टर, QA, डेवलपमेंट एंड सपोर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है. दूसरा है कि हम रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनलिटी स्पेसिफिकेशन भी ध्यान रखेंगे और वो डॉक्यूमेंट में मेंशन करते हैं. सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिटेल्स मेंशन होती है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एग्जिस्टिंग क्या है वो इंफॉर्मेशन रहेगी. टेस्टिंग डिलीवर भी क्या रहेगा, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन टेस्ट प्लान के पार्ट है. सो टेस्ट प्लान एक हाई लेवल प्लानिंग का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे एक प्लानिंग होता है बेसिकली आपका टेस्टिंग का. तो पर्पज ऑफ टेस्ट प्लान क्या है कि व्हाट डज इट कम्युनिकेट टू, मतलब क्या कम्युनिकेशन करना है, व्हाट इज गुड आइडिया टू हैव वन, कौन कौन से टेस्टिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इसमें रहती है, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी हाई लेवल टेस्ट प्लान. तो हाई लेवल टेस्ट प्लान में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो व्हाट इज योर स्टैंडर्ड फॉर कंटेंट ऑफ टेस्ट प्लान, तो कंटेंट के लिए कौन से स्टैंडर्ड रहते हैं, वो बेसिकली उसके ग्लोबली स्टैंडर्ड है टेस्ट प्लान के एंड बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्मेट के हिसाब से भी टेस्ट प्लान बनाते हैं. कोई बेसिकली आपका टेस्ट प्लान बनाया हुआ है एंड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एट द लास्ट आप वो ट्रैक कर सकते हो कि हमने टेस्ट प्लान में इतनी एक्टिविटी डिफाइन की थी एंड उसके सामने ये एक्टिविटी हुई. वो भी स्कोप में रहता है कि क्या चीज़ हम स्कोप में नहीं लिया, तो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टेस्ट प्लान, वो भी इंफॉर्मेशन मैटर करती है कि कौन सी इंफॉर्मेशन अपने को टेस्ट प्लान में कवर नहीं करनी है. ओके, तो अभी फॉर्मली जाते हैं कि टेस्ट प्लान के अंदर एक्चुअल में क्या कंटेंट रहती है. सो फर्स्ट वन इज टेस्ट प्लान आइडेंटिफायर, टेस्ट प्लान का आइडेंटिफायर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा. सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आपके सॉफ्टवेयर की इंट्रोडक्शन रहेगा, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, प्रोजेक्ट के रेफरेंस रहेंगे, QA प्लान्स रहेंगे, CM प्लान्स रहेंगे एंड रिलेवेंट आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड रहेंगे. थर्ड वन इज टेस्ट आइटम, टेस्ट आइटम इंक्लूड द वर्जन रिविजन लेवल इंफॉर्मेशन रहेगी, कैसे वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करेंगे, या तो कैसे वो डिलीवर होगा डेवलपमेंट से QA पे एंड प्रोडक्शन में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट रेफरेंस लिए हुए वो इंफॉर्मेशन रहेंगे टेस्ट आइटम में. फोर्थ नंबर पे रहेगा कौन से फीचर्स हम टेस्ट करने वाले हैं, फिफ्थ नंबर पे रहेगा कौन से फीचर्स हम टेस्ट नहीं करने वाले, तो वो इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपको हाई लेवल वो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये फीचर्स हम टेस्टिंग करने वाले हैं एंड ये फीचर्स हम टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं. अप्रोचेस रहेंगे, एक्टिविटीज़, टेक्निक कौन से यूज़ करेंगे, कौन से टूल यूज़ करेंगे, एस्टिमेशन का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पे अप्रोचेस के अंदर, स्पेसिफाई डिग्री ऑफ कॉम्प्रिसेशंस एंड कवरेज एंड अदर कॉम्प्लिटेशंस क्राइटेरिया वो देने पड़ेंगे. कंस्टेंट्स कोई है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो चाहे एनवायरमेंट रिलेटेड है, स्टाफ रिलेटेड है, डेडलाइंस रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे कंस्टेंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो दिखाना पड़ेगा कि कौन से कंस्टेंट्स है. सेवन नंबर पे रहेगा पासिंग क्राइटेरिया एंड फेलिंग क्राइटेरिया, मतलब क्या कौन से केस पे वो पास है, कौन से केस पे फेल है, वो क्राइटेरिया डिफाइन करने पड़ेंगे. फिफ्थ
फिर सस्पेंशन ऑफ द क्राइटेरिया एंड रिजम्पशन एंड क्राइटेरिया, कौन से केस में हम क्राइटेरिया सस्पेंड करेंगे या कौन से केस के अंदर क्राइटेरिया हम रिजम्पशन करेंगे। फिर रहेगा टेस्टिंग डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे, तो टेस्ट प्लान डिलीवरेबल्स है, टेस्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन डिलीवर है, टेस्ट केस स्पेसिफिकेशन है, प्रोसीजर है, लॉग्स है, इंसिडेंट रिपोर्ट है, समरी रिपोर्ट है, मतलब बेसिकली टेस्टिंग टीम से क्या डिलीवरेबल्स निकलेंगे। फिफ्थ में रहेगा कि टेस्टिंग टास्क क्या है, इंटर टास्क कोई डिपेंडेंसी है ठीक, या तो कोई स्पेसिफिक स्किल की डिपेंडेंसी, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एनवायरनमेंट में कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए आपको, फिजिकली चाहिए या सॉफ्टवेयर लेवल पे चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई लाइसेंसिंग जरूरी है तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि कौन से रिसोर्स इसमें इन्वॉल्व है एंड कौन से रिसोर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टाफिंग एंड ट्रेनिंग नीड, स्टाफिंग में कौन से रिसोर्स की बेसिकली प्रोजेक्ट के रिलेवेंट कौन से रिसोर्स आपको चाहिए एंड वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। स्केड्यूल, प्रोजेक्ट स्केड्यूल यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में रहेगा। रिस्क एंड अप्रूवल्स, रिस्क मींस कि प्रोजेक्ट डिलीवर के लिए कौन कौन से रिस्क है वो हाईलाइट्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। एंड अप्रूवल्स, अप्रूवल्स मीन्स कि कोई स्पेसिफिक अप्रूवल की ज़रूरत है हायर मैनेजमेंट की, तो वो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। तो ये था कम्प्लीटली टेस्ट प्लान एंड आपको खाली ध्यान रखना है कि अप्रोचेस को अलग अलग डिफाइन करते हैं, कुछ लोग उसको टेस्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं, कुछ लोग उसको अप्रोच बोलते हैं। तो टेस्ट स्ट्रेटजी एंड अप्रोच आर ऑलमोस्ट सेम एंड यहाँ पे वो स्ट्रेटजी डिफाइन करनी पड़ेगी आपके टेस्टिंग एग्जीक्यूशन की। सो व्हाट इज कंपोनेंट टेस्टिंग, component also known as a unit testing. So what is again unit testing? So let's try to understand. So a lowest level of system or application is component testing. सबसे छोटा जो मॉड्यूल रहता है, तो सबसे ऐसा कोई मॉड्यूल है जो मतलब जैसे कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि पीस ऑफ मॉड्यूल होते हैं एंड देन डेवलपर उसको डेवलप करते हैं। तो पीस ऑफ मॉड्यूल है जिसको आप कुछ इनपुट दे और कुछ छोटा मोटा छोटा सा आउटपुट आपको दे, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ, तो उसको टेस्ट करते हैं। तो वो छोटा लेवल यूनिट बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कंपोनेंट टेस्टिंग या तो उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली उसका नाम है यूनिट टेस्टिंग बोल सकते हैं, मॉड्यूल टेस्टिंग बोलते हैं, प्रोग्राम टेस्टिंग, प्रोग्राम भी हो सकता है। सो जो लोएस्ट लेवल ऑफ एप्लीकेशन है, आइसोलेशन में टेस्टिंग होता है बिकॉज वो डेवलप प्रोग्राम लेवल का होता है एंड आइसोलेशन में टेस्टिंग करना पड़ता है, तो उसको आप बैकग्राउंड सपोर्ट देना पड़ता है कुछ बार की, उसके डिपेंडेंट मॉड्यूल भी आपको हैंडल करने पड़ेंगे। सो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल इंटरफेस से भी आप हैंडल कर सकते हो। सो मोस्ट थ्रू लुक एट डिटेल्स, सो बेसिकली एरर हैंडलिंग इसमें होता है, इंटरफेसिस हैंडलिंग करना पड़ता है एंड यूजली कंपोनेंट टेस्टिंग डेवलपर करते हैं। एज वो प्रोग्राम लेवल पे होता है तो टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे होता नहीं है, तो इसको यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं एंड इसको बाय कोड भी डेवलपर एग्जीक्यूट करते हैं जो यूनिट टेस्टिंग के टेस्ट केस लिख के हैं। तो ये था कंपोनेंट टेस्टिंग। टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक, टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक मतलब है कि आप जब टेस्ट केस एंड टेस्ट कंडीशन आइडेंटिफाई करो तो कौन से बेस पे आप वो टेस्ट डिज़ाइन बनाओ। जैसे कि कोई एक इनपुट है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट की लेंथ फिक्स है एंड क्राइटेरिया फिक्स है कि जैसे कि इसमें दो ही स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं एंड अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, तो आपको वो आइडिया आ गया कि रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अंदर आप कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टिंग करोगे, जैसे कि 1 2 3 लो, 1 2 3 4 लो कि 1 2 3 4 5 लो, तो वो डिवेस्ट ऑन वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो डिज़ाइन टेक्निक आप वहाँ पे हेल्प करती है। तो अलग अलग डिज़ाइन टेक्निक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में डिज़ाइन टेक्निक्स अलग है एंड वाइट बॉक्स में अलग है। तो ब्लैक बॉक्स में इक्विवेलेंट पार्टीशन है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग है, कोज इफेक्ट ग्राफिंग है। तो ये अलग अलग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए, तो जिसका टेस्ट केस डिज़ाइन के लिए भी यूज़ होता है। व्हाइट बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट टेस्टिंग है जिसमें स्टेटमेंट टेस्ट करते हैं, ब्रांच एंड डिसीजन, जहाँ पे कोई डिसीजन आता है वहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी रहती है। डेटा फ्लो टेस्टिंग है, डेटा फ्लो एग्जीक्यूशन मतलब यूज केस रिलेटेड है। ब्रांच कंडीशन टेस्टिंग है, ब्रांच कंडीशन कॉम्बिनेशन टेस्टिंग है, मॉडिफाइड कंडीशन डिसीजन टेस्टिंग है।
अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि टेस्ट डिजाइन टेक्निक क्यों चाहिए, तो बेसिकली आपको टेस्ट केस आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं, एंड ऑल टेस्टिंग कॉम्बिनेशन आर नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई हम टेस्ट डिजाइन टेक्निक यूज़ करते हैं कि बेस्ड ऑफ केसेस एंड कंडीशन आइडेंटिफाई कर सके जो बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंट एंड रिस्क हो. तो उसके हिसाब से अपने को क्वालिटी ऑफ टेस्ट केस इम्प्रूव होगा एंड अपने टेस्ट केस डिजाइन होंगे वो मोस्ट इफेक्टिव रहेंगे. तो ये था टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स. ठीक, इट इज अगेन द इंटरव्यू क्वेश्चन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज बेसिकली व्हेन वी कंबाइन द टू मॉड्यूल्स, वन एंड मोर मॉड्यूल्स, एंड डू द टेस्टिंग, इट्स कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो जब आपके सिस्टम में जब सारे डेवलपर के पास अलग अलग डेवलप मॉड्यूल करते, फिर वो मॉड्यूल को कंबाइन करते हैं, मतलब इंटीग्रेट करते हैं, तब जो टेस्टिंग होता है, मतलब वो बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो बेसिकली अपने को ध्यान वो रखना पड़ता है कि दो कॉम्बिनेशन, दो स्पेसिफिक कंपोनेंट में कैसा चल रहा है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं रहा है, वो चेक करते हैं. एज इंडिविजुअल कंपोनेंट तो डेवलपर ने उसके हिसाब से टेस्ट किया होता है. सो मोर देन वन कंपोनेंट टेस्टेड टुगेदर, कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, व्हाट द सेट कैन परफॉर्म दैट इज नॉट पॉसिबल इंडिविजुअली. सो कोई ऐसा मॉड्यूल है जो इंडिविजुअली टेस्टेबल नहीं है और वो कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंटीग्रेट करने के बाद ही टेस्ट कर सकता है, तो वो भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोल सकते हैं. नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट इफ पॉसिबल, हो सकता है कि इसमें नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन है, फिर उसके बेस्ड ऑन उसके आउटपुट है, इनपुट है, तो वो फंक्शनलिटी के हिसाब से वो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कौन सा फोकस रहता है इंटीग्रेशन के अंदर. इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटजी में बिग बैंग वर्सेस इंक्रीमेंट, मतलब टॉप डाउन अप्रोच रहता है, बॉटम अप्रोच रहता है, फंक्शनल अप्रोच रहता है. टॉप डाउन मतलब कि आप टॉप से डाउन जा रहे, मतलब टॉप सारे इंटीग्रेशन करने के बाद आप उसके बेस ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन टेस्ट करेंगे. बॉटम मतलब आप बॉटम से जो दो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते हो. बेसिकली डिजाइनर इसका टेस्ट करते हैं, एनालिस्ट टेस्ट करते हैं, एंड टेस्टर भी टेस्ट करते हैं. तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टेस्टिंग से टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट चालू हो जाता है. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, जैसे इसमें इमेज इसमें दिखाया कि कंपोनेंट मिक्स करते हैं एंड टेस्टिंग करते हैं. लार्ज सिस्टम में भी पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा सिस्टम रहता है कि जहाँ पे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट डेवलप होते हैं, एंड वंस द मॉड्यूल इंडिपेंडेंट डेवलप होने के बाद उसको दूसरे मॉड्यूल के साथ टाइप करते हैं. जैसे कि ऑर्डर का मॉड्यूल है, उसको पेमेंट के साथ टाइप करने के बाद जो टेस्टिंग करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल पॉसिबल है, आप इंटरव्यू में आंसर दे सकते हो. सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड मोर मॉड्यूल. What is system testing? System testing is the combination of all module in a one particular package and do the testing. उसको बोलते हैं system testing, कि जहाँ पे पूरी system को हम test करते हैं. Expectation of the whole system का रहता है, कि system का behavior क्या है, system से expected क्या है, system को input क्या दो. जब अपने component testing होता है, integration testing होता है, उसके बाद system testing initiate होता है. So लार्ज इंटीग्रेशन स्टेप मतलब कि पूरा इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं ऑल कंपोनेंट को टेस्टिंग करते हैं, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं लार्ज इंटीग्रेशन स्टेप. फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट बेस पे सिस्टम टेस्टिंग होता है. बेसिकली इंश्योर करते हैं कि बिजनेस जो रिक्वायरमेंट दिया था, बिजनेस प्रोसेस जो है उसको वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फंक्शनैलिटी के अंदर. एंड नॉन फंक्शनैलिटी के अंदर की इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ एन पॉलिसी स्पेसिफिकेशन and must be tested. So basically non-functional testing and functional testing, both testing system testing mein hoge, and functionality ka testing hoga. Non-functional ke andar uske jo usability testing hai, reliability testing hai, performance testing hai, security testing hai, volume testing hai, wo sare testing non-functionality testing mein perform honge. So system testing means ki all the modules कॉम्बिनेशन इन अ वन पैकेज एंड होल सिस्टम हम टेस्ट करते हैं, एंड हम बिजनेस रिक्वायरमेंट यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि वो फुलफिल हुई है कि नहीं हुई. व्हाट इज फंक्शनल टेस्टिंग?
देखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग क्या है. सो फंक्शनल सिस्टम टेस्टिंग इज फंक्शनल टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस यूज विथ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन विच सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू एंश्योर दैट इट कंफर्म्स विथ ऑल रिक्वायरमेंट. सो बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग वो है कि आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के सामने जो रिक्वायरमेंट आपको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही वो टेस्टिंग करते हो, दैट्स अ फंक्शनल टेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यूज़र क्रिएशन का रिक्वायरमेंट है या यूज़र क्रिएट होने के बाद लॉग इन होना चाहिए तो बेसिकली यूज़र क्रिएट होना चाहिए दैट्स अ रिक्वायरमेंट, उसके बाद लॉग इन होना चाहिए दैट्स अ रिक्वायरमेंट. तो मेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि मैं यूज़र क्रिएट करूँ तो यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए, तो दैट्स अ फंक्शनल टेस्टिंग. दूसरा है कि वो यूज़र लॉग इन होना चाहिए तो वो फंक्शनल टेस्टिंग है. तो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के सामने जो टेस्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग. तो फंक्शनल टेस्टिंग इज अ वे ऑफ चेकिंग सॉफ्टवेयर टू एंश्योर दैट इट हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी दैट स्पेसिफाइड विद इन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है जब सिस्टम आप टेस्टिंग चालू करते हैं बेस्ड ऑन, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही वो चेक करते हैं, उसको फंक्शनल टेस्टिंग बोलते हैं. फंक्शनल टेस्टिंग. सो अ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सिस्टम फॉर इट्स नॉन फंक्शनल. सो बेसिकली इन अ रिक्वायरमेंट फेज देखे तो ये ऐसा टेस्टिंग है जो सिस्टम का जो नॉन फंक्शनल एक्टिविटी नॉन फंक्शनल पार्ट को टेस्टिंग करते हैं. सो द वे सिस्टम ऑपरेट rather than the specific behavior of the system. For example, software performance is a broad term that includes many specification requirements like reliability and scalability. So, non-functional में क्या है कि system कैसे operate होता है, कैसे behave करता है, वो test करते हैं. So, अगर example ले तो जैसे performance testing है, तो उसका एक word performance testing, वो बहुत ब्रॉड वर्ड है, तो उसके अंदर रिलायबिलिटी टेस्टिंग आ जाती है, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग आती है, फिर लोड टेस्टिंग आती है, तो बहुत सारे टेस्टिंग आती है. सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में कौन कौन से फंक्शनल टेस्टिंग टाइप है, तो यूजबिलिटी है, कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है, रिलायबिलिटी टेस्टिंग है, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग है, बैकअप टेस्टिंग है, स्टोरेज रिकवरी टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस लोड स्ट्रेस एंड वॉल्यूम टेस्टिंग है. तो ये सारे टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है. What is performance testing? Again, a question interview के लिए hot favorite है. तो समझते हैं performance testing क्या है. A testing performed to determine how a system performs in terms of responsiveness and stability under a particular workload. It can also serve to investigate, measure, validate or verify other quality attribute of system, such as scalability, reliability and resource uses. So basically ये performance testing मतलब कि system को specific workload के अंदर उसका responsiveness and stability check करते हैं, and उसके लिए बहुत सारे criteria है जैसे कि scalability है, उसकी reliability है, उसका कौन सा resource uses है. So based on that resource user वो verify करते हैं कि उसकी responsiveness and stabilities कैसी है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्टेबिलिटी इन स्पेसिफिक वर्कलोड इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस टेस्टिंग. सो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या और हो सकता है, जैसे कि टाइमिंग टेस्ट है, सो रिस्पॉन्स एंड सर्विस टाइम चेक करते हैं, डेटाबेस बैकअप टाइमिंग टेस्ट होता है, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम टेस्ट, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग कितना फास्ट है, इन अ सेकंड प्रोसेसिंग कितना होता है वो नंबर हम डिटरमाइन करते हैं. सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन सिस्टम, एड्यूरेंस टेस्ट टाइम ऑपरेशन, सो रोबस्टनेस ऑफ द सिस्टम एंड मेमोरी एलोकेशन. सो बेसिकली टाइम ऑपरेशन मतलब इन अ टाइम कितने वो प्रोसेसिंग करता है एंड कितने ट्रांजेक्शन कर सकता है, और वो ट्रांजेक्शन कितने इफेक्टिव है मतलब ओपन टू क्लोज होते हैं. उस टाइम मेमोरी एलोकेशन भी वेरीफाई करते हैं कि मेमोरी उस टाइम दूसरे रिसोर्स को भी सर्वाइव करती है कि नहीं करती, तो वो भी ज़रूरी है. मल्टी यूज़र टेस्ट में कॉन्करेंट टेस्ट होता है, लोड टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है. तो कॉन्करेंट टेस्ट में स्मॉल नंबर्स लार्ज बेनिफिट डेवलप डिलीट रिकॉर्ड लॉकिंग प्रॉब्लम. सो कॉन्करेंट मीन्स एट अ टाइम कॉन्करेंटली बहुत सारे यूजर सिस्टम पे लॉगिंग करे और आप उस टाइम सिस्टम का परफॉर्मेंस देखते हो. लोड टेस्टिंग द मेजरमेंट ऑफ सिस्टम बिहेवियर अंडर रियलिस्टिक मल्टी यूजर लोड.
मतलब कि रियल टाइम में यूजर का लोड एक्सपेक्ट सिस्टम बजर में से देख के वो करते हैं एंड उसके हिसाब से वो लोड जनरेट करते हैं सिस्टम पे एंड चेक करते हैं कि वो लोड पे सिस्टम का बिहेवियर कैसा रहता है। स्ट्रेस टेस्टिंग एक लिमिट से हम बियॉन्ड जाते हैं, मतलब जैसे कि अपने को पता है कि 1 लाख यूज़र हो सकते हैं तो आप उससे ज़्यादा यूज़र डालने का कोशिश करते हो एंड चेक करते हो कि सिस्टम कौन से लेवल पे क्रैश करती है या क्या बिहेव करती है। सो बेसिकली वो ई कॉमर्स जैसी साइट्स होती है जहाँ पे वर्कलोड मतलब यूज़र लोड ज़्यादा रहता है, तो ऐसे ऐसे साइट पे भी वो ज़्यादा टेस्टिंग होता है। तो ये था परफॉर्मेंस टेस्टिंग का डिटेल्स। एंड याद रखिए कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग का डेफिनेशन, सो वो रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्टेबिलिटी चेक करता है इन स्पेसिफिक वर्कलोड। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या है? सो सिक्योरिटी टेस्टिंग इज अ प्रोसेस इंटेंट टू रिवेल्स फ्लो इन इन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टेट प्रोटेक्ट डेटा एंड मेंटेन द फंक्शनैलिटी एज इंटेंड। सो बेसिकली सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या है कि आपके जो इंफॉर्मेशन के अंदर जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज ना हो ध्यान रखना है एंड वो इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म कितना सिक्योर है वो एंश्योर करना है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है जैसे कि आपके पासवर्ड होते हैं वो आपको प्रॉपरली इंक्रिप्ट करके सेव करने रहते हैं, इंक्रिप्शन मतलब कम्युनिकेशन कितना इंक्रिप्टेड है वो ध्यान रखना करता है, हार्डवेयर प्रीमाइसिस डिवाइस मतलब कितने हार्डवेयर प्रीमाइसिस में जो हार्डवेयर पड़े वो उसका सिक्योरिटी क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करते हो, ऑथोराइजेशन मतलब प्रॉपर ऑथोराइज पीपल ही उस आपके प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, कन्वर्ट चैनल एंड फिजिकल सिक्योरिटी, सो स्पेसिफिक चैनल के पीपल ही आपको उसके हिसाब से ही वो एग्जीक्यूट होगा तो वो ध्यान रखना है। सो बेसिकली जब आपके पास वेब बेस्ड प्रोडक्ट होती है तो उस पर आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग में वो ध्यान रखना है कि उसका कॉम्प्रोमाइज़ ना हो एंड ओपन सिस्टम है तो उसके लिए स्पेसिफिक टूल रहते हैं जो सिक्योरिटी टेस्टिंग में रहते हैं जैसे एनमैप है, क्वालिस गार्ड है, तो इसके हिसाब से आप वो टूल यूज़ करके भी सिक्योरिटी टेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये था सिक्योरिटी टेस्टिंग जो बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि आपका मैकेनिज्म एंड डेटा प्रोटेक्ट सिक्योरिटी है कि नहीं। सो व्हाट इज यूओटी टेस्टिंग, यूओटी टेस्टिंग क्या है? सो यूओटी मीन्स यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, नेम डिस्क्राइब ओनली द नेम ऑफ दिस यूओटी टेस्टिंग। सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर को एक्सेप्टेंस जो होता है वो एक्सेप्टेंस लेवल का जो टेस्टिंग होता है वो डिफाइन करना है, वो टेस्ट करना है, तो यूओटी टेस्टिंग को समझते हैं। सो इन डेफिनेशन की साइड देखें तो इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यूओटी ऑल्सो कॉल्ड बीटा टेस्टिंग, एप्लीकेशन टेस्टिंग एंड यूजर टेस्टिंग। So is a phase of software development in which software is tested in the real world by the intended audience. So basically UAT testing means आप final phase release करने जा रहे हो उसके पहले एक formally sign off ले रहे हो कि आपने जो design किया है product, आपने जो test किया है product, आपने जो release करने जा रहे हो product वो actual में user ने मांगा था वही रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। तो ये टेस्टिंग करते हो तो आप वो एनवायरमेंट बनाने का ट्राई करते हो कि एक्चुअल यूजर ही टेस्ट कर रहा है, वो प्रोबेबली एक्चुअल यूजर भी इन्वॉल्व हो सकता है या तो सिलेक्टेड कस्टमर हो सकते हैं या तो आपके कंपनी के ऐसे एम्प्लॉय हो सकते हैं कि जो रियल टाइम आपको एक्चुअल यूजर का फीडबैक दे। सो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मीन्स आप रियल टाइम यूजर को क्रिएट कर रहे हो, एक्चुअल यूजर को क्रिएट कर रहे हो टू एंश्योर दैट कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। ओके, सो इसको फाइनल स्टेज ऑफ वैलिडेशन भी बोलते हैं। कस्टमर शुड परफॉर्म क्लोजली एंड शुड इन्वॉल्व इसके अंदर, तो बहुत सारे प्रोडक्ट में ऐसा भी होता है कि कंपनी सिलेक्टेड पार्टनर या कस्टमर को इन्वॉल्व करती है फाइनल यूओटी टेस्टिंग के लिए, देन वो पब्लिकली बाहर जाते हैं। दूसरा है कि इसमें कस्टमर अपने विषय कोई टेस्ट केस फॉलो नहीं करता बट उसकी बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही वो फ्लो एग्जीक्यूट करता है। सो मतलब आपने जो बोला कि हमने ये टेस्ट किया है कि हमने डिजाइन किया है वो उसके ऊपर नहीं जाएगा, कस्टमर अपने एक्चुअल यूज केस के हिसाब से टेस्ट करेगा।
एक फाइनल साइन ऑफ है, इसको आप फाइनल साइन ऑफ भी बोल सकते हो, रिलीज करने से पहले एक बार यूटी टेस्टिंग में कोई इश्यू नहीं मिला तो आप फाइनल साइन ऑफ ट्रीट कर सकते हो पब्लिकली रिलीज करने के लिए। इसमें अप्रोचेस हो सकते हैं, इन हाउस आप सेटअप क्रिएट करो, आप सिलेक्टेड कस्टमर को अप्रोच करो, सिलेक्टेड पार्टनर को अप्रोच करो, आपकी स्क्रिप्टेड एंड अनस्क्रिप्टेड वो टेस्ट केस भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो उसके अंदर। दूसरा है कि एक मॉडल ऑफिस कंसेप्ट समटाइम्स यूज, मतलब कि आपके ऑफिस में वो एनवायरनमेंट खड़े कर सकते हो जहाँ पे आपके जो डेवलपर है एंड टेस्टर के अलावा दूसरे यूजर को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो रियल टाइम आपको फीडबैक दे सके आपकी प्रोडक्ट के बारे में। सो ये था यूजर एक्सपीरियंस एंड टेस्टिंग। सो बेसिकली ये है एक रियल टाइम यूजर का एक्सपीरियंस। What is alpha testing and beta testing? Difference between alpha testing and beta testing? Most favorite question for interviewer. So, samajhte hain alpha testing kya hai, beta testing kya hai? So, both are type of testing which are comes at the last stage of product release. So, alpha testing is a conduct within the organization and tested by the representative group of end user at the developer side and sometimes by independent team of testing. So alpha testing kya hai ki wo ek separate organization mein group hota hai jo end user ke jaise hi fill karte product ko and test karte hai. Sometimes aisa bhi ho sakta hai ki koi independent team hoti hai jo real time testing karte hai, jo फील्स करते हैं कि वो कस्टमर साइड है। सो बेसिकली प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो रेडी है रिलीज करने के लिए, बट इन हाउस की ऐसे यूजर से टेस्टिंग करवाते जो उसका डेवलपमेंट या टेस्टिंग के पार्ट नहीं होते एंड गेटिंग द राइट फीडबैक फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टीम। सो इन हाउस मतलब वो ट्राई करते हैं कि एनवायरमेंट क्रिएट करने का कस्टमर के जैसा ही। Where beta testing is conducted by the end user or the other person and they are not a programmer, software engineer or tester. So basically beta testing मतलब कि ऐसे यूजर से हम टेस्टिंग करवाते हैं जो रियल टाइम यूजर है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कस्टमर एनवायरमेंट के अंदर सिलेक्टेड कस्टमर को प्रोडक्ट देता हूँ एंड चेक करवाता हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बीटा प्रोडक्ट ही लॉन्च करते हैं एंड कस्टमर जो फीडबैक देते हैं कि भाई हमारा बीटा रिलीज है, आप उसको टेस्ट करो एंड फीडबैक अपने को दो, तो तब हम एक वार्निंग भी इश्यू कर दे कि ये बीटा प्रोडक्ट है और इसमें प्रॉब्लम आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो कस्टमर को भी आइडिया होता है कि ये बीटा प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि वो उनके चैनल्स पार्टनर्स रहते हैं, पहले वो पार्टनर्स को आप वो प्रोडक्ट देते हैं एंड देन वो एक बार उनके फीडबैक लेने के बाद वो पब्लिकली अनाउंस करते उसका जीए, जिसको बोलते हैं जनरल अवेलेबिलिटी। सो अल्फा टेस्टिंग इन हाउस टेस्ट करते हैं, एक्चुअल कस्टमर का एनवायरनमेंट बनाते हैं, वेयर बीटा टेस्टिंग कस्टमर एनवायरनमेंट में ही लिमिटेड कस्टमर के साथ टेस्ट करवाते हैं। अल्फा टेस्टिंग सिमुलेटेड और एक्चुअल ऑपरेशन टेस्टिंग एट द इन हाउस साइट, जैसे मैंने बोला था, एंड इन्वॉल्व द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अदर टीम प्लेयर। बीटा टेस्टिंग सेटअप कस्टमर विल टेस्ट एप्लीकेशन इन रियल टाइम एनवायरमेंट विथ एक्चुअल यूजर। तो ये था अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग? दिस इज अगेन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइटम बींग टेस्टेड इज नोन टू द टेस्टर। सो बेसिकली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब कि आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कोड क्या है, कोड कैसे फ्लो करता है वो पता होता है जो बंदा टेस्ट करता है, एंड नॉर्मली व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर करता है। दूसरा है उसको यूनिट टेस्ट एंड कंपोनेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को। वेयर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइटम बींग टेस्टेड is not known to the tester and normally it's done by the independent tester. So black box tester ko ye sab janne ki utna zarurat nahi hote and even pata nahi hai, but black box testing mein
business requirement a tester should know and should identify the business requirement specification gaps from the implementation. Okay, so white box developer करता है, black box independent tester करता है. White box के knowledge में आता है कि भाई internal structure knowledge है, design और implementation है. Black box वाले बंदे के पास business requirement है, business logic पता होना चाहिए. And component level and unit level का white box में होता है. And black box testing में basically functional and non-functional testing होता है. Functional में actual functionality validate करते हैं requirement के हिसाब से. Non-functional के non-functional के अंदर हम usability and reliability वो देखते हैं. यहाँ पे performance testing होता है, security testing होता है, configuration testing होता है, backup restore testing होता है. वो सारे configuration testing black box testing में आते हैं. Basically black box appropriate level all the level but dominate higher level of testing. मतलब कि higher level testing मतलब जो integration system and acceptance level पे वो involve होता है. White box testing usually predominate at lower level to complement the black box. So component level जो lower level बोलते हैं जहाँ से चालू करते हैं वहाँ पे black box testing होता है. तो ये था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का डिफरेंस. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग डिजाइन टेक्निक. सो इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग ईपी इज अगेन मोर क्रिटिकल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट डिजाइन. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजाइन टेक्निक है. सो समझते इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग क्या है. सो बेसिकली इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग आपके इनपुट को डिजाइन करने के लिए होती है कि कैसे इनपुट हम डिजाइन करेंगे. तो जब आपका इनपुट होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करता है. वन इज वैलिड, अनदर इज इनवैलिड एंड द अनदर सेक्शन इज इनवैलिड. मतलब जैसे कि आपका एक रेंज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में कि आप जब इनपुट देते हो तो जैसे कि मेरा 1 एंड 100 की रेंज है तो 1 टू 100 रेंज वो वैलिड रेंज हो गई. 1 से कम रेंज है वो इनवैलिड है एंड 100 से ज़्यादा है वो इनवैलिड है. सो बेसिकली ये मतलब इनपुट को डिवाइड करते हैं तीन. एंड इक्विवेलेंस पार्टिशन क्या होता है कि मतलब अपने को आइडेंटिफाई कैसे करनी है कि इनवैलिड लेनी है दो साइड की बॉर्डर पे एंड 1 लेनी है कि जो वैलिड कंडीशन होती है वो लेती है. तो हम इक्विवेलेंस पार्टिशन बोलते हैं. तो ये एग्जांपल में ये वैलिड बाउंड्री 1 to 100, वन से छोटी है वो इनवैलिड है एंड 100 से ज़्यादा है वो इनवैलिड है. सो बेसिकली अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू लेनी है. तो फिर आता है कि आप एनी ऑफ वैल्यू 1 to 100 ले सकते हो. दैट्स यू कैन टेक 50, 90, 80 वॉट एवर. इनवैलिड में आप 101 से ऊपर की कोई भी रेंज ले सकते हो एंड इनवैलिड में लोअर में 1 से कोई भी छोटी रेंज ले सकते हो. सो इक्विवेलेंट पार्टीशन में बेसिकली तीन इनपुट रहेंगे. एक लोअर साइड का इनवैलिड रहता है, एक हायर साइड का इनवैलिड रहता है एंड एक है रेंज. तो ये था इक्विवेलेंट पार्टीशन टेस्ट डिजाइन टेक्निक. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्ट डिजाइन टेक्निक. सो ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट डिजाइन टेक्निक है. तो समझते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस नेम ही बोल सकता समझ सकते हो कि वो बाउंड्री पे डिजाइन होता है. एंड इसके एग्जांपल के साथ हम समझेंगे तो बहुत ही इजी आप समझ पाओगे. सो बोथ साइड की बाउंड्री के साथ वो यूज होता है. सो एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे मेरा रेंज है, वैलिड रेंज है 1 to 100 एंड 1 से छोटा मतलब 0 से इनवैलिड रेंज होती है एंड 100 से ज़्यादा 101 से वो इनवैलिड रेंज होती है. तो अपने को यहाँ पे समझना है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के टेस्ट इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं. तो यहाँ पे टेस्ट इनपुट के अंदर आप देख सकते हो कि वैलिड बाउंड्री ये है 1 to 100 एंड इनवैलिड बाउंड्री है 0 एंड 101. सो बाउंड्री वैल्यू के अंदर आपको दोनों रेंज लेनी है. 1 मीन वैलिड बाउंड्री, 100 इज ऑल्सो वैलिड बाउंड्री. तो बाउंड इनर बाउंड्री में दोनों है एंड इनवैलिड बाउंड्री में 0 इज इनवैलिड बाउंड्री. तो 0 के बाद इमीडिएटली 1 इज वैलिड बाउंड्री आता है. तो 0 ही लेने चाहिए एंड 101 इज द इनवैलिड बाउंड्री. तो आप समझ सकते हो इसमें सारी आपकी बॉर्डर बाउंड्री वैल्यू एंड बॉर्डर कंडीशंस
आ जाती है, इससे आपको एक कॉन्फिडेंट मिलता है कि आपने ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज कर लिए. तो ये था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस. बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट केस डिजाइन करने के लिए. डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. सो समझते हैं. फंक्शनल टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग डन अगेंस्ट द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड बेसिकली ये एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टाइप है. बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग मतलब कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हो बेस ऑन आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट जो मिला है उसके अगेंस्ट कर रहे हो कि वो इंश्योर प्रॉपरली फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये फंक्शनल टेस्टिंग है. एंड फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप्स रहते हैं यूनिट टेस्टिंग, स्मॉक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटरफेस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग एंड यूटी टेस्टिंग. सो ये सारे फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप है. नॉन फंक्शनल टेस्टिंग समझते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैपिंग करने के लिए जो होता है टेस्टिंग उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. एंड बेसिकली चेक करता है कि सिस्टम की रेडीनेस चेक करता है. एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है एंड उसकी यूजबिलिटी क्या है वो टेस्ट करता है. तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप है अवेलेबिलिटी टेस्टिंग, कंपेबिलिटी टेस्टिंग, कंप्लायंस टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, एड्यूरेंस टेस्टिंग, इंटरऑपरेटेबिलिटी टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, मेंटेनेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिकवरी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, यूजबिलिटी टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग. तो ये सारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के टाइप है. एंड बेसिकली डिफरेंस ये है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को मैप करने के लिए जो टेस्टिंग होता है एंड चेक करते हैं उसकी रिलायबिलिटी एंड यूजबिलिटी, सिस्टम की रेडीनेस क्या है वो उसके लिए नॉन फंक्शनल टेस्टिंग रहता है. फंक्शनल टेस्टिंग जो रिक्वायरमेंट जिसके लिए डिज़ाइन हुई थी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके अगेंस्ट जो टेस्टिंग होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग. तो ये था नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल टेस्टिंग का डिफरेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज QA एंड QC. सो वो डिफरेंस बिटवीन QA एंड QC, इम्पोर्टेंस ऑफ QA एंड QC. दिस इज अगेन द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखते हैं. सो QA एंड QC इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस. ये बोथ जो टर्म है वो क्वालिटी एश्योरेंस के ही पार्ट हैं. द प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेस यूज टू मेजर एंड एश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. जो प्रोसेस है एंड जो बेसिकली क्वालिटी मेजर करने के लिए जो प्रोसेस बना दे एंड ये दोनों प्रोसेस उसमें यूज होती है. सो द प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेस यूज टू मेजर एंड एश्योर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल. The process of ensuring product and service meet consumer expectations. So ultimately QC and QA ऐसी process है जो measure करते हैं quality को, assure करते हैं quality of product को, quality control करते हैं and meet करते हैं और assurance देते हैं कि जो consumer का जो expectation था उसके हिसाब से product build हुई है. A quality assurance is a process oriented and focus on defect prevention. So basically quality assurance kya hai? To wo aisi process hai jiska focus prevention pe hai, matlab defect ko prevent karna, matlab kaise prevent kare, kya process implement kare ki defect bane nahi ya to defect jaldi se jaldi mile, matlab wo process pe focus karta hai. While quality control is product oriented and focus on defect identification. Quality control क्या है? उसका focus होता है कि defect को कैसे मैं identify करूँ, कैसे system में से defect निकालूँ और उसको fix करवाऊँ. So, quality assurance defect को prevention करती है कि maximum defect ना हो system में. वो ऐसा processes implementation करती है जैसे कि review है, peer review है. वो implementation में जो processes है पूरी software development life cycle में उस पर उसका focus रहता है, जहाँ पे quality control उसका focus है defect को identify करना कि maximum defect निकालो जिससे अपनी quality improve हो.
Quality assurance makes sure you are doing the right thing and the right way. This is the definition for quality assurance. Quality control makes sure the result of what you have done are what you expected. आपका जो expectation था उसके हिसाब से ही आपने जो काम किया वही quality control है. Quality assurance क्या है कि आप जो काम कर रहे हो right ही कर रहे हो, right process से कर रहे हो, वो quality assurance है. So ये था quality assurance and quality control का difference. Friends, welcome to this software testing tutorial series by Easy Learning. So let's start. What is sanity testing? So let's what is sanity testing? Top interview question hai and usually interview mein pucha jata hai, toh samajhte hai. So basically आपके पास टाइम कम होता है या तो आपने बहुत सारा टेस्टिंग कर दिया है एंड इन स्मॉल चेंजेस आपको कॉन्फिडेंट चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में कोई दूसरा प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ. तो जब आप वो टेस्टिंग करते हो और आप हाईलाइटेड या तो आपके कोर मॉड्यूल या तो आपको जो कोर रिस्की मॉड्यूल है उसको जो टेस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग. तो जरा डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं. सो आफ्टर रिसीविंग अ बिल्ड विथ माइनर चेंजेस इन द कोड और फंक्शनैलिटी अ सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड डेट टू चेक वेदर इट रेक्टिफाइड द सॉफ्टवेयर बग और इश्यूड एंड नो अदर सॉफ्टवेयर बग इज इंट्रोड्यूस बाय द चेंजेस. सो बेसिकली कोई छोटा चेंजेस होता है इन सिस्टम के, कोई बग फिक्सिस होता है तो या तो कोई फंक्शनलिटी चेंजेस होता है तो जो टेस्टिंग करते हैं, मतलब तब हम पूरा रिग्रेशन टेस्ट नहीं करते एंड प्योर रीटेस्टिंग भी नहीं बोलते, तब जो रिग्रेशन का जो एक सबसेट लेते हैं और रीटेस्टिंग का जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो बग फिक्सेस भी देखते हैं और उसके साथ दूसरी फंक्शनलिटी भी देखते हैं. तो पूरा टेस्टिंग के टाइम नहीं है और ये जो सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग जो एग्जीक्यूट करते हैं टू आइडेंटिफाई कि जो इश्यू था वो सॉल्व हुआ है एंड उसकी वजह से कोई नया इश्यू इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग. समटाइम्स व्हेन मल्टीपल साइकल्स ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग आर एग्जीक्यूटेड सैनिटी टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी डन एट लेटर साइकिल आफ्टर थ्रू रिग्रेशन टेस्ट साइकिल. सो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी साइकिल्स हो जाती है टेस्टिंग में इन लास्ट टाइम कि हम क्या करते हैं वो सैनिटी टेस्टिंग एग्जीक्यूट करते हैं तो चेक करने के लिए कि कोई नया बग इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ एंड ऑलरेडी हमने रिग्रेशन टेस्टिंग कर लिया होता है तो तब रिग्रेशन टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, जो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी है और वो आपने पहले कर दिया तो दूसरी बार करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो उस टाइम हम सैनिटी टेस्टिंग एग्जीक्यूट करते हैं. इफ़ वी आर मूविंग अ बिल्ड फ्रॉम स्टेजिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्वर टू प्रोडक्शन सर्वर सैनिटी टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी डन टू चेक दैट वेदर द बिल्ड इज सेम इनफ टू मूव फर्दर एट प्रोडक्शन सर्वर ऑर नॉट. सेम लेवल मतलब जैसे कि अपना क्यूए में आपने टेस्ट कर लिया और आपने गो अहेड दे दिया कि अभी मुझे प्रोडक्शन में रखना है, तो प्रोडक्शन सर्वर पर जब मूव करते हो तब एक बेसिक लेवल की जो टेस्टिंग करते हो कि ओके अभी प्रोडक्शन सर्वर पर मूव करना है, तो ये जो बेसिक लेवल की जो टेस्टिंग जिसमें आप इंश्योर करते हो कि सारी फंक्शनलिटीज वर्किंग फाइन, पर तब आप पूरा टेस्टिंग नहीं करते, तो ये है सैनिटी टेस्टिंग. तो फ्रेंड्स ये था सैनिटी टेस्टिंग. सो स्मोक टेस्टिंग अगेन टेस्टिंग टाइप, तो देखते हैं. स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग. इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट comprise of non-existent set of tests that aim to ensuring that the most important functions work. The result of this testing used to decide to build it stable enough to produce with the further testing. Basically, जब अपने को टेस्टिंग एग्जीक्यूट करना है पूरा टेस्टिंग टेस्ट प्लान, तो डेवलपर से जो बिल डिलीवर होता है क्यूओ टीम को और वी आर एंश्योरिंग दैट इट इज एक्सपेक्टेड क्वालिटी एंड डेवलपर हैव डन द बेसिक टेस्टिंग उनके हिसाब से जो एक बिल्ड के हिसाब से जो टेस्टिंग करना होता है, तो वो डेवलपर ने वो ऐसा टेस्टिंग किया हुआ है कि नहीं किया, मतलब ऐसा तो नहीं वो डेड ऑन अराइवल, मतलब आपको मिला वो चल ही नहीं रहा तो आपका टाइम वेस्टिंग होता है, तो वो आप इंश्योर करते हो कि अभी अपने को जो डिलीवर हुआ है प्रॉपर एक्सपेक्टेड क्वालिटी है कि नहीं, मतलब चलना चाहिए टेस्टिंग के लिए जिससे आप टेस्टिंग कंटिन्यू कर सको और टेस्टिंग में डेप में जाके आप इशू ढूंढ सको.
तो ये स्मोक टेस्टिंग मतलब क्या है कि आपको फर्दर टेस्टिंग करना है कि नहीं करना, उसका एक फ्लैग है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल। डिफेक्ट लाइफ साइकिल मीन्स कि आपने जो इश्यू रिपोर्ट करते और उसका क्या लाइफ साइकिल है, कौन से प्रोसीजर के हिसाब से वो मूव होता है। तो ये अगेन कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में पूछा जाता ही है। तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल समझते हैं। तो आप जब बग रिपोर्ट करते हो तो इनिशियली वो टेस्टर रिपोर्ट करता है एंड बग कोई डेवलपर को असाइन करता है। तो न्यू स्टेज से वो असाइन स्टेज होता है, वो कोई डेवलपर को असाइन होता है बेसिकली। तो जब वो बग असाइन होता है डेवलपर, तो डेवलपर उसको एक्शन लेता है कि उस अगर वो बग चेक करता है एंड वो बग में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वो कॉन्फ़िगरेशन इश्यू है या तो टेस्ट केस ही गलत हो, रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि अगर वो बग किसी और ने भी रिपोर्ट किया हुआ है, टेस्टर ने गलती से रिपोर्ट किया है, तो डुप्लीकेट मार्क करके क्लोज कर सकता है। एंड डिफर्ड मतलब कि अगर वो इश्यू है बट उसको मतलब उसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं करना, तो वो डिफर्ड स्टेट में लेते और बाद में वो बेस ऑन प्रायोरिटी उसको फिर ओपन करके फिक्स करते हैं। ओके एंड द लास्ट स्टेज की उसको एक्सेप्ट करता है डेवलपर की, ओके मुझे अभी फिक्स करना है, तो असाइन करके वो एक्सेप्ट करता है, फिक्स करता है, फिर वो ओपन करने के बाद बग फिक्स करता है। फिक्स मतलब उसमें कोड चेंज करता है और उस जो बग रिपोर्ट किया था उसके हिसाब से वो फिक्स करता है। ओके फिक्स करने के बाद वो टेस्टर को असाइन होता है एंड वो रीटेस्ट होता है। तो टेस्टर उसको टेस्ट करता है, तब टेस्टर वो टेस्ट बग को अगर उस प्रॉपरली वो सॉल्व हो गया तो उसको क्लोज करता है। एंड अगर टेस्टर को वो बग एज पर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सॉल्व नहीं हुआ तो उसको रीओपन करता है। देन अगेन वो डेवलपर के पास जाता है एंड डेवलपर उसको रीफिक्स करके वापस टेस्टर को देता है। तो ये है पूरी बग लाइफ साइकिल, बहुत ही ईजी है। बग डेवलपर टेस्टर रिपोर्ट करता है, डेवलपर को असाइन करता है, डेवलपर उसको रिजेक्ट डुप्लीकेट और डिफर करता है और एक्सेप्ट करता है बग, फिक्स करता है, देन टेस्टर वो फिक्स इसको टेस्ट करता है एंड क्लोज करता है। अगर वो क्लोज नहीं होता प्रॉपरली तो रीओपन करता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है, ऐसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होती है। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं ये डिस्कशन होता है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल समझते हैं एंड उसके फेजेस समझते हैं। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में होता है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट समझते एंड उसकी रिक्वायरमेंट समझते, एक्सपेक्टेशन क्या है क्लाइंट का, वो स्टडी होता है, जैसे BRD स्टडी होता है। एंड हाई लेवल और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है कि जैसे कि क्लाइंट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसके हिसाब से हम आगे प्लानिंग कर सकें। सेकंड स्टेप है जो टेस्ट प्लानिंग है। सो टेस्ट प्लानिंग में हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, कौन से मॉड्यूल को बाइफर्केट करते हैं, हाई लेवल सब मॉड्यूल्स करते हैं, टेस्ट प्लानिंग करते हैं। टेस्ट प्लानिंग के अंदर टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, उसके अंदर वो डिफाइन करते हैं कि क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है, टेस्टिंग के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज क्या चाहिए, वो सारा प्लानिंग टेस्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़ में रहता है। दूसरा होता है कि टेस्ट प्लान, फिर इसके अंदर एक हाई लेवल टेस्ट प्लान की सबसे टेस्ट स्ट्रेटजी बनाते हैं एंड ये दोनों स्ट्रेटजी एंड प्लान रिव्यू होता है। द थर्ड स्टेप है कि टेस्ट केस डेवलपमेंट। टेस्ट केस डेवलपमेंट में टेस्ट केस डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक के हिसाब से एंड उसका रिव्यू एक्टिविटीज़ होता है, पीयर रिव्यू एक्टिविटीज़ होता है एंड टेस्ट केस फाइनली कोई स्पेसिफिक टेस्ट टूल में एड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एनवायरनमेंट सेटअप। एनवायरनमेंट सेटअप मतलब कि आपको टेस्टिंग के लिए क्या सेटअप की ज़रूरत है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं एंड इनपुट के लिए अगर कोई टेस्ट डेटा की ज़रूरत है तो इनपुट के लिए टेस्ट डेटा प्रिपेरेशन करते हैं। उसके बाद टेस्ट एग्जीक्यूशन चालू होता है। टेस्ट एग्जीक्यूशन मतलब कि हमने जो टेस्ट केस लिखे उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड उसके सामने अगर कोई बग मिलता है तो बग रिपोर्ट करने हैं, अगर कोई डेवलपर वो बग फिक्स करता है तो बग फिक्स रीचेक करने हैं। तो ये सारा टेस्ट एग्जीक्यूशन में रहेगा। देन लास्ट स्टेप है टेस्ट क्लोजर। तो बेसिकली टेस्ट क्लोजर मतलब कि आपने जो प्लान किया था, मतलब कि आपने टेस्ट प्लान के अंदर जो प्लानिंग किया था उसके हिसाब से वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं वो आप इंश्योर करोगे, सारा चेकलिस्ट अपडेट करोगे, टेस्ट
रिपोर्ट बनाओगे, एग्जीक्यूशन रिपोर्ट बनाओगे, बग रिपोर्ट बनाओगे कि भाई बग हमने इतने रिपोर्ट किए थे, हमने इतने फिक्स किए, एंड अगर कोई बग ओपन है तो उसको आप ओपन डिस्कशन करके क्लोज करोगे कि इसके साथ बग ओपन बग के साथ रिलीज करना है कि नहीं करना, अगर नहीं करना तो उसके साथ आप फिक्स करने के लिए अटेम्प्ट करोगे, और अगर ओपन के साथ जाना है तो उसके हिसाब से डिसीजन लोगे। उसके बाद आता है रिलीज डॉक्यूमेंट, रहते हैं जैसे कि रिलीज नोट्स है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं तो वो सारा रहेगा, एंड टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइनली बनता है, एंड उसके बाद आपका रिलीज प्रोडक्शन में मूव होता है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल के फेजेस है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ स्टार्ट करते हैं एंड टेस्ट क्लोजर एक्टिविटी के साथ क्लोज करते हैं। What is entry criteria and exit criteria in software testing? So, let's try to understand entry criteria and exit criteria क्या है। So, entry criteria मतलब कि आप कोई एक specific event और एक specific stage में आप entry करने जा रहे हो, और उसके लिए कौन से criteria fulfillment है, and वो criteria fulfill हो रहे हैं उसके बाद आप उसका काम चालू करो। सो बेसिकली आप टेस्टिंग चालू करते हो तो आपके लिए कोई स्पेसिफिक आप एक्सपेक्टेशन है कि भाई दिस स्टेप दिस थिंग शुड बी अवेलेबल बिफोर आई स्टार्ट द टेस्टिंग। तो बेसिकली ये एक स्टेज से दूसरे स्टेज में काम मूव करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, और ये क्राइटेरिया अपने टेस्ट प्लान में डिफाइन किए हुए होते हैं। सो एंट्री क्राइटेरिया फॉर टेस्टिंग कैन बी डिफाइन एज अ स्पेसिफिक कंडीशन और ऑनगोइंग एक्टिविटी डेट मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ प्रोसेस कैन बिगन, मतलब कि वो एक प्रोसेस चालू होने से पहले कहीं पे प्रेजेंट अपने को डिफाइन की होती है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एसटीएलसी स्पेसिफाइज द एंट्री क्राइटेरिया रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ईच टेस्टिंग फेज, मतलब ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिफाइन होनी चाहिए। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड amount of lead time to make the entry criteria item available to the process. The input can be divided into the two category, input received from development and input produced the test phase at the end of STLC. मतलब कि आपने कौन से input development के side मिले और उसके सामने आपने क्या produce किया at the end of, मतलब पूरे सारे phase close हुए तब। तो basically ये entry criteria है। ओके, सो एंट्री क्राइटेरिया में क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है अपनी, तो मतलब कि कोड कंपाइल किया होना चाहिए, प्रोग्रामर ने मतलब वो टेस्ट किया होना चाहिए कि उसने मतलब कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर उन लोगों ने मतलब टेस्ट डेवलपर ने उसके ऊपर यूनिट टेस्ट एंड उसके जो ऑटोमेटेड टेस्ट रन किए होने चाहिए और उसका पास रिपोर्ट होना चाहिए, जो टेस्ट है वो एक बार उनके इंटरनल रिव्यू हो जाने चाहिए एंड बेस्ड ऑन रिव्यू कमेंट भी क्लोज होनी चाहिए। उनके टेस्ट में मतलब जो टेस्ट रिपोर्ट मुझे शेयर किया डेवलपमेंट का यूनिट टेस्ट का, तो कोई उसमें फॉल्ट ओपन नहीं होना चाहिए, सारे फॉल्ट फिक्स किए होने चाहिए। बेसिकली जो कवरेज होता है कोड कवरेज वो अचीव किए होना चाहिए बेस्ड ऑन द कंपनी पॉलिसी, सारे टेस्ट अगेन पास किए होने चाहिए फिक्स फोल फिक्स किए करने के बाद। तो बेसिकली ये थे एंटी क्राइटेरियाज फॉर स्टार्टिंग टेस्टिंग। एंड इनपुट में अपने को क्या मिलता है जब टेस्टिंग चालू करते हो, तो अप्रूवल्स एंड डिफाइन टेस्ट प्लान अपना जो चालू होता है, टेस्ट केस, टेस्ट डेटा, टेस्ट टूल्स, टेस्टेबल कोड विद अप्रोप्रिएट टेस्ट नोट, तो ये सारी चीज़ें रेडी होगी उसके बाद ही आप एग्जैक्टली टेस्टिंग चालू करोगे। तो ये इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज अ एंट्री क्राइटेरिया, मतलब कि आपको इस चालू करने के लिए अपना टेस्टिंग कौन कौन से थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी क्या है, तो उसके बिना आप फर्दर टेस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये फेजिस है एंड ये इनपुट है टेस्टिंग चालू करने के लिए। अभी समझते हैं एग्जिट क्राइटेरिया। एग्जिट क्राइटेरिया मतलब कि आपको टेस्टिंग एक्टिविटी स्टॉप करनी है तो कौन से बेस पे आप टेस्टिंग एक्टिविटी स्टॉप करोगे, एंड क्या क्या क्लोज, मतलब डिफाइन कैसे करोगे कि वो टेस्टिंग एक्टिविटी क्लोज हुई, तो एग्जिट करना है टेस्टिंग एक्टिविटी से। तो एग्जिट क्राइटेरिया इन टेस्टिंग आर ऑफन व्यूड एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट कमेंट मोटिंग द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल फेज, मतलब कि वो लास्ट फेज है। इट कैन बी डिफाइन एज द स्पेसिफिक कंडीशन ऑन गोइंग एक्टिविटी डेट शुड बी द फुलफिल prior to completing the software testing life cycle. STLC specify which
exit criteria required at the each testing phase. The exit criteria can be identified the intermediate deliverables and enable you to the track them to independent event. तो बेसिकली एग्जिट क्राइटेरिया क्या है कि मतलब आपको जो डिलीवर करना है उसको ट्रैक करने के लिए कौन सी चीज क्लोज करनी है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन द डिफाइन इन अ टेस्ट प्लान. तो वो डिलीवरेबल्स कौन कौन से रहेंगे एग्जिट क्राइटेरिया में, कौन से चेकलिस्ट आप क्लोज करोगे कि भाई हमने प्लान किया था उसके हिसाब से ट्रैक हुआ है. तो आपको क्लोज करने के लिए कौन कौन से चेकलिस्ट डिफाइन किए और क्लोज करने हैं उसके हिसाब से आप प्लान करोगे एग्जिट के लिए. तो एग्जिट क्राइटेरिया कौन से होते हैं, तो बेसिकली समझते हैं. द मोस्ट कॉमन फैक्टर दैट आर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग द स्टॉप टेस्टिंग, एक है रिलीज डेडलाइन, दूसरा है टेस्टिंग डेडलाइन, फिर आता है परसेंटेज ऑफ टेस्ट केस पास, मतलब कि कितने परसेंट, जैसे आपने 100% टेस्ट केस प्लान किया और 100% टेस्ट केस पास हो गए, वो एक होता है. एक है इंश्योरिंग द ऑल सारे क्रिटिकल टेस्ट केसेस पास हो गए, अचीविंग द कंप्लीटेड फंक्शनल टेस्ट कवरेज, आपने सारा फंक्शनल टेस्ट कवरेज क्लोज कर दिया एंड वहाँ पे कोई इश्यू मिला नहीं, या तो जो इश्यू मिले थे तो वो क्लोज हो गए. एग्जीक्यूटिंग द मेजर फंक्शनल बिजनेस फ्लो बाय लिवरेजिंग वेरियस टेस्ट इनपुट एंड एंश्योर दैट डेट ऑल आर वर्किंग, सारे बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस लॉजिक के हिसाब से सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो चुके एंड उसमें कोई इशू नहीं मिला. आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग ऑल द हाई प्रायोरिटी इश्यू, सारे इश्यूज आइडेंटिफाई हो चुके हैं, सारे इश्यूज फिक्स होके क्लोज भी हो चुके हैं एंड कोई इश्यू ओपन नहीं है. फिक्सिंग ऑल द शो स्टॉपर डिफेक्ट्स और ब्लॉकर एंड एंश्योरिंग दैट द नन ऑफ आइडेंटिफाई क्रिटिकल सिवियरिटी डिफेक्ट्स आर ओपन स्टेटस, बेसिकली सारे ब्लॉकर एंड शो स्टॉपर इश्यूज जो ओपन किए थे वो क्लोज हो चुके हैं एंड अभी कोई मतलब ब्लॉकर और क्रिटिकल इश्यू ओपन नहीं है. रीटेस्टिंग एंड क्लोजिंग ऑल द हाई प्रायोरिटी डिफेक्ट टू एग्जीक्यूट करस्पॉन्डिंग रिग्रेशन सिनेरियो सक्सेसफुली, सो बेसिकली रीटेस्टिंग हो चुका है जो भी बग रिपोर्ट हुए थे एंड सारा रिग्रेशन टेस्टिंग क्लोज हो चुका है एंड कोई इश्यू क्रिटिकल एंड ब्लॉकर ओपन नहीं है. तो ये है एग्जिट क्राइटेरिया. जब अपने को डिफाइन करना है कि कौन कौन से स्टेप के डिफाइन क्लोज होने के बाद आप डिसीजन लोगे कि मुझे एग्जिट करना है कि नहीं करना, स्टॉप करना है कि टेस्टिंग कि नहीं करना. ओके, सो एग्जिट क्राइटेरिया में आउटपुट क्या रहेगा, तो एक है टेस्ट लॉग, मतलब कि हमने टेस्टिंग किया उसका एक रिपोर्ट, दूसरा इंसिडेंट रिपोर्ट, जो बग आप बोलते हैं बग समरी रिपोर्ट बोलते हैं, कितने बग हमने आइडेंटिफाई किए थे उसमें, कितने बग हमने क्लोज किए, कितना टाइम लगा, क्या प्रायोरिटी के बग थे, वो रिपोर्ट रहता है. और उसके बाद टेस्ट समरी रिपोर्ट रहता है एंड फाइंडिंग रिपोर्ट रहता है. टेस्ट समरी रिपोर्ट मतलब कि आपने ओवरऑल टेस्ट प्लान के हिसाब से क्या क्या टेस्ट किया, कौन सी साइकिल में कितने टेस्ट कैसे एग्जीक्यूट किए, कौन सा मॉड्यूल टेस्ट किया, तो ये पूरा ओवरऑल टेस्ट समरी रिपोर्ट रहता है. तो बेसिकली आउटपुट में अपने को रिपोर्ट्स मिलते हैं, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट मैनेजर और हायर मैनेजमेंट टेक अ डिसीजन टू रिलीज द प्रोडक्ट. तो फ्रेंड्स, ये था एंट्री क्राइटेरिया एंड एग्जिट क्राइटेरिया. अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सिवियरिटी एंड व्हाट इज प्रायोरिटी इन अ टेस्टिंग. सो ये दो स्टेट है बग के लिए एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो प्रायोरिटी डिफाइन करता है कि आपका बग कितने फास्ट आपको क्लोज करना है एंड सिवियरिटी डिफाइन करता है कि आपका बग कितना इम्पैक्ट करता है आपके सिस्टम को. तो बेसिकली सीवियरिटी इम्पैक्ट ऑन फेल्यूर कोज बाय दिस फॉल्ट एंड प्रायोरिटी मतलब वो आपको कितना फास्ट ये बग को सॉल्व करना है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है तो सॉल्व करना. ओके, एग्जांपल मतलब कि माइनर कॉस्मेटिक टाइपो है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी बट सीवियरिटी हाई हो सकती है. क्रैश इफ द फीचर इज यूज, सिस्टम क्रैश होता है पर बहुत रेयर फीचर्स यूज होता है, एक एग्जांपल है. सिस्टम क्रैश होता है एंड फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रायोरिटी बहुत हाई होगी. अपना ब्लॉग है blogmonster.boxprotein, हमने सेम ब्लॉग में भी ये अपना पोस्ट है तो आप
यहाँ पे भी प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी का डिफरेंस देख सकते हो। तो प्रायोरिटी क्या है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ बग फ्रॉम क्लाइंट और बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है बग, तो उसके लिए प्रायोरिटी डिफाइन करते हैं। सिवियरिटी द इंपॉर्टेंस बग फ्रॉम द सिस्टम पर्सपेक्टिव, सिस्टम को कितना डैमेज करता है, दैट्स अ सिवियरिटी। इसमें आपने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे कि हाई सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी के एग्जांपल दो, हाई सिवियरिटी लो प्रायोरिटी के एग्जांपल दो। तो समझते हैं हाई सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी के एग्जांपल में, दिस इज व्हेन द मेजर पाथ थ्रू द एप्लीकेशन इज ब्रोकन। फॉर द एग्जांपल एन ई कॉमर्स वेबसाइट, एवरी कस्टमर गेट एरर मैसेज ऑन बुकिंग फॉर्म एंड कैन नॉट प्लेस द ऑर्डर और द प्रोडक्ट पेज थ्रू द एरर पेज। बेसिकली ई कॉमर्स के साइट पे एरर आती है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर ही नहीं सकता। मतलब कि अभी ऐसा बग फिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एग्जांपल है हाई प्रायोरिटी एंड हाई सीवियरिटी का। हाई सीवियरिटी एंड लो प्रायोरिटी में देखते हैं, दिस इज हैपन व्हेन द बग कॉज द मेजर प्रॉब्लम बट ओनली हैपन इन वेरी रेयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल कस्टमर हु यूज वेरी ओल्ड ब्राउजर कैन नॉट कंटिन्यू विद देयर परचेज अ प्रोडक्ट बिकॉज द नंबर ऑफ कस्टमर विथ वेरी ओल्ड ब्राउजर इज वेरी ओल्ड वर्जन, सो इट इज नॉट हाई प्रायोरिटी टू फिक्स द इश्यू। तो बेसिकली बग ऐसा है कि जैसे कि ऐसा कोई ब्राउजर है जिसमें आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते हैं, बट वो ब्राउजर बहुत ही रेयर यूज होता है और एब्सोल्यूट हो चुका है। तो ऐसे कस्टमर बहुत कम होंगे जो ऐसे ब्राउजर यूज करते होंगे। तो इसकी सीवियरिटी हाई है क्योंकि ये चल ही नहीं रहा, मतलब कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। प्रायोरिटी लो है इसलिए कि उसके यूजर बहुत ही कम है और बहुत ही रेयर केस में ये होगा। हाई प्रायोरिटी लो सीवियरिटी देखते हैं, द लोगो ऑफ और नेम ऑफ कंपनी इज नॉट डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, इट इज इंपॉर्टेंट टू फिक्स द इश्यू एज सून एज पॉसिबल। सो बेसिकली कंपनी का लोगो एंड नाम ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है और वो गलत डिस्प्ले हो रहा है, तो इससे सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होता। तो प्रायोरिटी हाई है क्योंकि इम्पैक्ट गलत जाता है एंड सीवियरिटी इसकी लो रहेगी। रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं, लो प्रायोरिटी एंड लो सीवियरिटी, द पॉलिसी पेज टेक अ लॉन्ग टाइम टू लोड, नॉट मैनी पीपल व्यू द प्राइवेसी पॉलिसी एंड स्लो लोडिंग डजंट अफेक्ट द कस्टमर मच। तो बेसिकली पॉलिसी पेज होता है जो इस पर आप क्लिक करते हो तो बहुत ही स्लो लोड होता है। तो बेसिकली कस्टमर बहुत कम होते हैं जो पॉलिसी पेज को ओपन करते हैं एंड स्लो लोड होता है, तो उस कस्टमर को कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट होता नहीं। तो इसकी प्रायोरिटी भी लो रहेगी और सिवियरिटी भी लो रहेगी। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी का, एंड ये था डिफरेंस प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी का।